मॉर्निंग सर। तो शैल वी कंटिन्यू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कुछ लोग आज जो स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आज यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं या ऐप पे अटेंड कर रहे हैं आज, ओके, उनको बता दूं कि ये बैच एक्चुअली 10th अप्रैल को चालू हो चुका था एंड इसमें अराउंड 1.5 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स के आसपास हो चुके, ऐसे समझो आप 1.5 चैप्टर्स, ओके। तो आप बोलोगे सर फिर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो जो जिनके लिए आज डे 1 है, ओके। ये बैच जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले 10 लेक्चर्स हमने इसी चैनल पे यूट्यूब पे लिए थे, तो वो 10 लेक्चर आप पहले देख लो। वो 10 लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक अभी नीचे है, ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ओके। वो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में अभी भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दो एंड फिर उसके बाद में आप सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड फर्स्ट चैप्टर आपको वापस पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों, तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको ये? तो हम अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उस बैच में वही कंटिन्यू करते हैं। आपका वो ये वीडियो बंद करके अगर आप वो फर्स्ट लेक्चर आप 10th अप्रैल वाला देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको आप में से कुछ लोग रहेंगे कि नहीं सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा ऑलरेडी एक अटेम्प्ट हो चुका है, हम वैसे भी ये रिवीजन के लिए ज्वाइन किए, इसके लिए ज्वाइन किए, तो आप कंटिन्यू करो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आउट ऑफ 18 ओनली सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन, ओके। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मतलब 18 में से दो मतलब वो 2 out of 18 इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्योंकि दो चैप्टर जो बर्ड का मतलब ऐसा कुछ इतने छोटे भी नहीं है ये चैप्टर, समझ रहे हो, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अराउंड एक 131 पेज नंबर पे हम लोग यहाँ पे है, ओके बच्चों। तो चलो फिर कंटिन्यू करें हम लोग, यस। तो हम लोग कल पॉइंट नंबर 104 तक आए थे, सही है बच्चों, और हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। क्या कंसेप्ट पढ़ा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो हमने एन्युटी के रिलेटेड 4 कंसेप्ट सीखे बच्चों, या 4 फॉर्मूले सीखे आप ऐसे बोल सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये कौन सा फॉर्मूला यूज कब करना है वो नहीं समझता है, बट ये बैकग्राउंड में हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे इतना, व्हेन अ सीरीज इज कॉल्ड एज एन्युटी, समझ रहा है या नहीं? ये एंड में पैसा मिलता है, शुरुआत में मिलता है, हम जो एग्जाम्पल क्रिएट करके बता रहे, भाई मैं उसके पास गया, ₹2,000 दिया, करेक्ट है कि नहीं? एंड में पैसा मांगा तो क्या देगा, शुरुआत में पैसा मांगा तो क्या देगा, ये एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही आपको समझ देना है यार वहाँ पे, एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? कैसे समझेगा मतलब वो क्वेश्चन में खुद बताएगा क्या ये फॉर्मूला यूज कर करके? आप समझ रहे हो क्या? कुछ अपने को समझना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? तो क्या कंसेप्ट फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का? बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट इनटू 1+r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। एंड क्या कंसेप्ट है ये? मैं समझो ये बैंक में राइट हर साल जाके 5 लाख रुपए जमा कर रहा हूं, तो 5 लाख ऐसे समझो मैं 25 साल तक जमा कर रहा हूं, 25 साल के एंड में मुझे कितना पैसा मिलेगा वो क्या रहेगा? बोलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। बट ये मैं जो 25 पेमेंट कर रहा हूं ना, इसके बदले में मुझे आज ही पैसा चाहिए, लाइक लोन। समझो मैंने बैंक में बोल दिया, मैंने एक्चुअल में बैंक में एक दिन बोल दिया कि भाई मैं आपको 2,86,000 रुपीज हर महीने दूंगा, हर महीने दूंगा, और ऐसे अगले 10 साल तक दूंगा। कितने? 10 साल तक, ओके। मतलब कितने? 120 महीने तक दूंगा। बैंक ने बोला ठीक है चलो भाई 2.5 करोड़ का लोन ले लो आज। समझा या नहीं? तो 2.5 करोड़ का लोन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय 121 पेमेंट्स। एंड मेरे 121 पेमेंट्स मतलब क्या है? एन्युटी। क्यों उसको एन्युटी बोलेंगे हम लोग? क्योंकि जो मैं हर महीने में पे कर रहा हूं वो सेम है एंड टाइम गैप भी सेम है, तो वो एन्युटी जो मैं पे कर रहा हूं बैंक का, उसके बदले में मैं बैंक से ले कब रहा हूं? आज। तो आज ले रहा हूं तो क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बट मैं जो बैंक को दे रहा हूं उसके बदले में मैं 25 साल के एंड में या जो भी कुछ है वो पीरियड के एंड में पैसा लूंगा, तो एंड में प्रेजेंट वैल्यू लूंगा क्या? क्या लूंगा? फ्यूचर वैल्यू। तो ऑब्वियसली दो फॉर्मूले, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो बोलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1+r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। वेरी गुड। एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1+r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1+r।
इंटू वन प्लस आर, वेरी गुड. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्यूटी फैक्टर, वेरी गुड. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू क्या रहेगा, थोड़ा सोच के बताओ. पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्यूटी फैक्टर, रेगुलर का फॉर्मूला हुआ बस इंटू वन प्लस आर कर देना, इंटू वन प्लस आर कर देना. जैसे सेम कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू वाला, समझा क्या आपको ये? तो क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू. तो ये चार फॉर्मूले याद हो गए क्या बच्चों अपने को? तो एक काम करो, ये चैप्टर के एंड में आ जाओ. क्या एंड का पेज नंबर है चैप्टर का? एंड का पेज नंबर कुछ 153-154 के आसपास है. वहां पे अपन एक काम करते, ये चार फॉर्मूले साथ में लिखते, चलेगा क्या बच्चों? एक बॉक्स बनाओ और वहां पे ये चार फॉर्मूले लिखेंगे, चलेगा क्या? एन्यूटी के चार फॉर्मूले अपन साथ में लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, चलेगा क्या? चलो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर. फ्यूचर वैल्यू ऑफ क्या? एन्यूटी रेगुलर. अच्छा, रेगुलर एंड ड्यू में क्या फर्क रहता है पता है ना बच्चों? रेगुलर मतलब पीरियोडिकल पेमेंट और रिसीट इज एट द एंड, एंड अगर बिगिनिंग में रहा तो इट इज ड्यू और इमीडिएट. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, पीरियोडिकल अमाउंट, पीरियोडिकल अमाउंट इनटू वन प्लस आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर. सही है बच्चों? ये किसका फॉर्मूला था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर. सही है. सेकंड किसका फॉर्मूला लिखना है अपने को? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू. लिख रहे हो क्या आप खुद? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है बच्चों? ये अभी जो लिखा है वही फॉर्मूला, सिर्फ इनटू क्या करना पड़ेगा? वन प्लस आर. ये भी याद रहेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू. थर्ड क्या लिखो बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर. बोलो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्यूटी फैक्टर. आपको एन्यूटी फैक्टर कैसे फाइंड करते हो याद है क्या? थोड़ा बहुत कैसे फाइंड करते हैं? वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस करो. कब तक? स्टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू, टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू. एंड उसके बाद में बता, ग्रैंड टोटल का बटन दबा दो, जीटी का बटन दबा दो, आपको एन्यूटी फैक्टर मिल जाएगा. बराबर है बच्चों? ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर का फॉर्मूला. एंड आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला भी पता है क्या? फिर क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू या एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी इमीडिएट, समझते हैं ना बच्चों? एन्यूटी ड्यू या एन्यूटी इमीडिएट इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्यूटी फैक्टर इनटू वन प्लस आर. तो ये एन्यूटी के रिलेटेड चार फॉर्मूले है क्या बच्चों? एन्यूटी के रिलेटेड चार फॉर्मूले है क्या? समझे क्या सबको? चलो ये एक पॉइंट हो गया. चलो और एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे. ये चार फॉर्मूले अगर कंप्लीट हो गए तो आप मुझे ना उसके नीचे ना बच्चों और चार फॉर्मूले लिखो. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड. मैं जानता हूं कि क्लास का हर बच्चा ये फॉर्मूला जानता है, फिर भी आप लिखोगे बस. समझा क्या? ये अपन ने लास्ट में तीन चार पांच जो पेजेस ब्लैंक छोड़े अपने रिविजन के लिए है ना यार. यहाँ पे आप खुद भी कुछ लिख सकते हो, मैंने कुछ बोला नहीं है. आपको लगता है कि चलो ये रिवाइज करके देखते हैं, फॉर्मूले एक जगह पे लिखते हैं, यू कैन यूज दैट स्पेस. चलो अभी और चार फॉर्मूले लिख रहे हो क्या बच्चों नीचे? कौन से चार फॉर्मूले लिख रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट. चलो बोलो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला लिखा? पी एन आर. सही है क्या? उसके बाद लिख देना अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल, चलेगा बच्चों? अमाउंट व्हेन बोलो इंटरेस्ट इज सिंपल का क्या फॉर्मूला है? पी इन ब्रैकेट वन प्लस एन आर. अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल का ये फॉर्मूला है, पी इन ब्रैकेट वन प्लस एन आर.
सही है बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? पी इंटू वन प्लस आर का पावर एन माइनस वन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। एंड उसके बाद में अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, वो भी फॉर्मूला लिख रहे हो बच्चों। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड का फॉर्मूला है पी इंटू वन प्लस आर का पावर एन। एंड थोड़ा बहुत नहीं भाई, बहुत टाइम देखिए फॉर्मूले सीखे हमने, सारे फॉर्मूले डिराइव किए, ये फॉर्मूले कैसे डिराइव किए उसके लिए हमने टेबल बनाए थे, समझा क्या? याद है बच्चों, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड के अंदर आर जो होता है, आप ये नहीं बोलोगे कि आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर, आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड, वो कन्वर्जन पीरियड के अंदर एक केस है फॉर द ईयर, समझा क्या आपको ये? बट इट कैन बी फॉर द क्वार्टर, इट कैन बी फॉर द मंथ, इट कैन बी फॉर एनीथिंग, समझा क्या? एन एन विल बी नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, चलेगा क्या बच्चों? चलो और एक थर्ड पॉइंट लिखो, यहां पे दो फॉर्मूले लिखो, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, बट एन्यूटी का नहीं, समझा ना बच्चों? समझा क्या? सिंगल ट्रांजैक्शन में, मतलब एक बार मैं डिपॉजिट कर रहा हूं 25 साल के बाद कितना मिलेगा, तो 25 साल के बाद जो मिलेगा, 30 साल के बाद जो मिलेगा, जो भी कुछ है उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं हम लोग। तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के दो फॉर्मूले लिख रहे हो क्या यहां पे? लिख रहे हो क्या भाई? चलो लिखो, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दो फॉर्मूले लिख रहे हो क्या? हाँ चलो बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू वन प्लस आर का पावर एन, सही है क्या भाई? एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू, बोलो मेरे भाई, डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। एक काम कर देना, वहां नीचे वेयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या वो भी लिख देना, चलेगा क्या बच्चों? लिख रहे हो क्या? वेयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर एन, ठीक है बच्चों? वहां पे और एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देना, एंड इसका आंसर आप जानते हो, हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर nth ईयर, हाउ टू फाइंड क्या बोलो? डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर nth ईयर, आप लिखो खुद, हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ nth ईयर ऑन कैलकुलेटर, फॉर्मूला तो आप जानते हो, वन डिवाइड बाय वन प्लस आर का पावर एन, बराबर है ना? बट कैसे फाइंड करते कैलसी पे बताओ? वन डिवाइडेड बाय करते हम लोग, फिर वन प्लस आर लेते, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहा तो वन डिवाइड बाय 1.12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 रहा तो वन डिवाइड बाय 1250, तो वन डिवाइड बाय वन प्लस आर, देन प्रेस, बोलो क्या प्रेस करो? बोलो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू टिल कब तक? बोलो स्टेप काउंट कम्स, बोलो एन प्लस टू, ये समझा क्या बताओ? टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू, मतलब अपने को 25th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो स्टेप काउंट 27 तक लेके जाओ, सही है बच्चों? टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू, दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर, याद है बच्चों? ओके, नीचे और एक फोर्थ वाला फॉर्मूला लिखो, वहां पे आप सिर्फ एक फॉर्मूला लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लिखोगे क्या? क्या फॉर्मूला लिख रहे हो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो लिखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का? ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंपलसरी है एग्जाम में, हर बार आता है, वन प्लस आर बाय एन ब्रैकेट का पावर एन माइनस वन इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वन प्लस आर बाय एन ब्रैकेट का पावर एन माइनस वन, वेयर आर होता क्या है? आर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड, मतलब 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, समझा गया आपको? ये
38.50% पर एनम कंपाउंडेड वीकली, इसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन इज, एन क्या होता है यहां पे बताओ? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। इन अ ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, समझ आया ना? वेयर एन इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। तो ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों। इस पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद है क्या भाई? चलो और एक आप लिख देना यहां पे, हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर। करेंगे क्या फाइंड? हाउ टू फाइंड, बोलो मेरे भाई, एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर। ये सिखाया था क्या मैंने कल आपको? हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, बताओ आंसर। वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, उसके बाद में इक्वल टू, इक्वल टू पहली बार प्रेस करते ही क्या आया? डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर वन आया। फिर दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करते ही क्या आया? डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर टू। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर थ्री। ऐसे कब तक जाओ बोलो? टिल स्टेप काउंट कम्स, टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू। अब आप में से कुछ लोग लग रहे, नहीं सर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिख रहे हो, गलत कर रहे हो आप। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री आया, समझा क्या? समझो आपने को 10 साल करना है, तो 10 जब आप 10th टाइम इक्वल टू प्रेस करते हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 10 रहता है। एंड इन सब का, ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर का एडिशन मतलब ही क्या होता है? एन्यूटी फैक्टर। तो इसलिए इसके बाद और एक स्टेप है, क्या है बोलो? देन प्रेस, बोलो जी टी का बटन। देन प्रेस कौन सा बटन बोलो? जी टी, यस और नो? देन प्रेस जी टी बटन ऑन योर कैलकुलेटर, ऑन योर कैलकुलेटर, समझा क्या? देन प्रेस जी टी बटन ऑन योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको बोलो? एंड यू विल गेट एन्यूटी फैक्टर। कल का डिस्कशन याद है क्या आपको? देखो अगर अभी भी आपके सामने अगर कल का एग्जाम्पल है तो आपको समझेगा कि मैंने पहले वो टेबल में 5 बार कैलकुलेट करके दिखाया था, याद है क्या आपको? ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर वन इंटू कुछ तो 2 लाख रुपए था, बराबर है? डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर टू इंटू 2 लाख था कि नहीं? तो वो 5 नंबर अलग अलग थे, इंटू 2 लाख था, तो वो 5 नंबर का टोटल करके इंटू 2 लाख किया होता तो डायरेक्ट उसका टोटल मिलता ना हमें, याद है क्या? लगे तो देख लो अभी भी आप, वो 5 अलग अलग नंबर थे। क्या पेज नंबर था वो? पॉइंट नंबर क्या था? 131 पेज नंबर। देखो ये यहां पे क्वेश्चन नंबर 104, आराम से देखो, कोई गड़बड़ है नहीं अपने को। आप बताओ जो 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर वन था, ध्यान है क्या बच्चों? 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर टू था, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर थ्री। तो मैं 5 बार जो पेमेंट करने वाला था उसको, उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया एंड उसका टोटल कर दिया, करेक्ट है? ये एग्जांपल याद है क्या कल का? लगे तो वापस पढ़ो। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोलो 2 लाख पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स, राइट? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। एक बार एक्सप्लेन करता हूं, वापस सुन रहे हो क्या बच्चों? मैंने 2 एग्जांपल 2 तरीके से बताया था, ये याद है क्या आपको? ये मैंने बोला था कि ये लड़का अपने पापा के साथ आया, याद है क्या आपको? ये वही एग्जांपल बात करते वापस। चलो ये लड़का पापा के साथ आया, इसके पापा मुझे क्या बोले? सर मेरे बेटे को हर साल के एंड में 2 लाख रुपए चाहिए, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि सर मैं आज ही आपके पास कुछ पैसे देके जाता हूं, मेरे बेटे को हर साल के एंड में 2 लाख रुपए आप दे देना। तो मैं इसके पापा से आज क्या कितने पैसे लिया बोलो? 7,20,955 इतना ही लिया, बट 2-2 लाख करके 5 बार मैं 10 लाख दूंगा कि नहीं उनके बेटे को? इससे मेरा नुकसान हुआ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ये आज उनसे पैसा लिया, बैंक में डाल दिया एंड उसी अकाउंट से हर साल 2 लाख निकाल के उनके बेटे को दे दिया, बात खत्म। उस अकाउंट में 5 साल के बाद में कुछ बचा भी नहीं बच्चो, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 7,20,955 हमने कल क्रॉस चेक भी किया था, याद है क्या है? 7,20,955 इनसे लिए, प्लस 10% या प्लस 12% माइनस 2 लाख, याद है क्या आपको? माइनस 2 लाख, फिर वापस इंटरेस्ट मिला, वापस 2 लाख रुपए उनके बेटे को दे दिए, वापस 2 लाख, वापस 10-12% इंटरेस्ट मिला, वापस 2 लाख दे दिए। तो 5 साल इनको पैसे दे दिए, अकाउंट में कुछ नहीं बचा, मतलब मेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ, मतलब मैंने एग्जैक्ट पैसा लिया था कि नहीं इसके पापा से? क्या लिया था एग्जैक्टली? टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय 5 पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
माय फाइव पेमेंट्स की जगह क्या बोलोगे अभी? एन्यूटी। क्या बोलोगे? एन्यूटी। तो क्या लिया था मैंने आज? बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी विच वॉज 720,955। 720,955 वॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो आप बताओ, ये पांच कैलकुलेशन करके हमने 720,955 निकाला था, बट बाद में मैंने शॉर्टकट क्या बोला, भाई अपने पास डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 था, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 3, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 4, 2 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 5। तो हमने क्या किया, सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ही ऐड कर दिए एंड एक ही बार 2 लाख से मल्टीप्लाई किया एंड सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड कर दिए। मतलब वो जो आया उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूटी फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम? एन्यूटी फैक्टर। तो हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, वो लिखा था क्या हमने यहाँ पे एंड में? अभी लिखा क्या यहाँ पे? चलो, हाउ यू विल गेट एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर, समझाए क्या बच्चों ये? यस और नो? तो क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट लिखा, हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, देन प्रेस इक्वल टू टिल स्टेप काउंट कम्स n+2, देन प्रेस बोलो GT बटन ऑन योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट बोलो एन्यूटी फैक्टर, यू विल गेट बोलो एन्यूटी फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? जहां पे अगर कोई बोलेगा कि सर एन्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, बट ये तो आपने बताया कैलसी पे कैसे फाइंड करते हैं, वो एन्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो मैं जो लिख रहा हूं वो एन्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला है क्या? बताओ, सुन रहे हो क्या बच्चों? बताओ ये फॉर्मूला है क्या? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1। मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 हुआ, नहीं समझा आपको ये? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 2, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2 हुआ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 3, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 3 था। एंड ऐसे करते करते बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ nth ईयर हुआ ये। तो ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन इज एन्यूटी फैक्टर, इज एन्यूटी फैक्टर। तो ये एन्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला है। बट बताओ ये फॉर्मूला लिख के आंसर लाना, इससे अच्छा कैलसी का प्रोसीजर इजियर है ना भाई? आप लोग सर इतना कैलकुलेशन कब किया आपने कैलसी पे, मुझे बताओ। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू का बटन दबाए तो पहला नंबर आया, और एक बार इक्वल टू, दूसरा बटन, दूसरा नंबर, और एक बार इक्वल टू, तीसरा, ऐसे करते करते एन तक गया मैं। मतलब स्टेप काउंट एन प्लस टू तक जाना पड़ता है, बराबर है ना? क्योंकि अपन जब पहली बार प्रेस करते तभी स्टेप काउंट 3 रहता है, समझा क्या? इसलिए अपन एन प्लस टू तक जाते हैं, समझा क्या? हम एक्चुअली प्रेस करते इक्वल टू बटन एन टाइम सी, कितनी बार प्रेस करते हैं? एन टाइम सी, बट स्टेप काउंट एन प्लस टू तक जाता है, समझता है क्या आपको ये? उसके बाद ये सबका टोटल चाहिए मुझे, ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, कहानी खत्म। यस और नो? यू विल गेट एन्यूटी फैक्टर। तो चलो बताओ, ये पांच पॉइंट हमने लिखे यहाँ पे, पांच पॉइंट मतलब इसमें 8, 10, 12 कुछ फॉर्मूले लिखे क्या इस चैप्टर के? ये अपने को रिविजन में काम में आएगा क्या? अपन कभी भी चलो भाई अपने को लगा चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज कर दे, कम से कम इतना पढ़ लेना, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा है, तो इसके रिलेटेड कंसेप्ट अपन जाके देख सकते हैं वापस, है या नहीं? चलो फिर कंटिन्यू। ये लिखा क्या आप लोगों ने? ये भी लिखा, फॉर्मूला भी लिखा क्या एन्यूटी फैक्टर का? लिखा या नहीं? लिखा नहीं है तो लिख दो फिर। एन्यूटी फैक्टर इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का पावर 1 इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का पावर 2 इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2। ऐसे करते करते डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ nth ईयर तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? करें कंटिन्यू हम लोग, ये लिखे आप लोग? चलो क्या पेज नंबर पे हम लोग? 132। चलो 132 पे वापस आ जाओ, आ गए क्या बच्चों? ये 131 का कल का क्वेश्चन समझा क्या सबको? चलो 105 पे आ जाओ, यहां पे वापस वो दो फॉर्मूले लिखने के लिए बोल रहा है, लिखेंगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर का? पीरियोडिकल अमाउंट, लिख दो फिर, पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्यूटी फैक्टर, पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्यूटी फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्यूटी फैक्टर इंटू 1 प्लस आर, इंटू 1 प्लस आर, सही है बच्चों? इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। अब हो कंफर्टेबल इसमें?
अब नीचे वो बोल रहा है हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, मैंने आपको ऑलरेडी सीखा है बट ये फॉर्मली लिखने के लिए बोल रहा है। हाँ तो बताओ आप, तो मैं आपको दो प्रोसीजर बताता हूँ, चलेगा क्या बच्चों? पहला क्या मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया, हाँ बोलो क्या था, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर देन प्रेस, हाँ बोलो, देन प्रेस इक्वल टू बटन, बराबर है ना, कब तक, टिल स्टेप काउंट कम्स, टिल स्टेप काउंट कम्स, बोलो एन प्लस टू, एन प्लस टू स्टेप काउंट सही है क्या, देन प्रेस, हां बोलो, देन प्रेस बोलो जी टी का बटन, बराबर है ना, यस और नो, जी टी का बटन प्रेस करो एंड यू विल गेट, एंड यू विल गेट एन्यूटी फैक्टर, यू विल गेट, बोलो एन्यूटी फैक्टर, सही है क्या बच्चों? जैसे कि आप बताओ यहां पे ये कल वाला एग्जांपल, एक मिनट देखो वापस, एक मिनट इधर देख रहे हो क्या आप? आप एक काम करो कैलसी ऑन करो, कर रहे हो क्या? इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों? 12% करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू का बटन एक बार दबाओ, क्या आया? 0.8 है, देखो हाईलाइट किया हुआ पहला नंबर है क्या कैलसी पे? इक्वल टू का बटन और एक बार दबाओ, हाईलाइट किया हुआ दूसरा नंबर है क्या? इक्वल टू का बटन और एक बार दबाओ, हाईलाइट किया हुआ तीसरा नंबर है, इक्वल टू का बटन और एक बार, चौथा नंबर और इक्वल टू का बटन और एक बार, पांचवा नंबर, मतलब ये पांच साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स थे कि नहीं? जीटी का बटन दबाओ, जीटी का बटन, समझा क्या आपको? एक तो क्या नंबर है बताओ, जीटी का बटन दबाते 3.60 दिख रहा है क्या नीचे, देखो ये 3.60 इंटू 200,000 करो, इंटू 200,000, तो आप बताओ बच्चों वही आया जो देखो पांच नंबर का टोटल था, नहीं समझा आपको? मतलब हम अलग अलग से पांच नंबर का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किए, इसे अच्छा एक ही साथ करना बेटर था कि नहीं? एक ही साथ कर दिया तो एज गुड एज इट इज अ एन्यूटी, क्योंकि वो 200,000 जो था हर साल सेम अमाउंट, अच्छा बट एक साल में 200,000 होता, एक साल में 300,000 होता, एक में 500,000 होता, तो हम कुछ नहीं करते, फिर हम अलग अलग सॉल्व करते। याद है कि कैश डाउन प्राइस ऑफ टीवी 40,000, 50,000, 60,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर वन, चुपचाप इज्जत से सबका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किए थे ना हम लोग अलग अलग से, यस और नो, एट द एंड ऑफ ईयर वन इतना पेएबल है भाई उसका ये प्रेजेंट वैल्यू, एट द एंड ऑफ ईयर टू 80,000 पेएबल है उसका ये प्रेजेंट वैल्यू, एट द एंड ऑफ ईयर थ्री 900,000 पे या 90,000 पेएबल है उसका ये प्रेजेंट वैल्यू, एंड सारे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल दिए थे ना हम लोग। बट याद रहेगा आपको उसके एंड में हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे एक ही पेमेंट पांच इंस्टॉलमेंट पेएबल था, तब मैंने वहां पे यही तो शॉर्टकट बताया था आपको, याद है क्या आपको? जीटी का बटन बताया था कि नहीं? तो कुछ जा रहा है दिमाग में बच्चों? तो हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, ये तरीका समझा के बताओ क्या है, बोलो, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, देन प्रेस इक्वल टू बटन टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू, देन प्रेस जीटी का बटन, यू विल गेट एन्युटी फैक्टर, लिख के ले रहे हो क्या? ठीक है बच्चों, ये तरीका है हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर का। अगर किसी को ये पसंद नहीं आया तो और एक तरीका है, बट आई एम श्योर दूसरा देने के देखने के बाद आप बोलोगे नहीं सर फर्स्ट वाला ही बेटर है, तो और एक तरीका है, सुन रहे हो क्या? एक मिनट, वो है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, सिमिलर है बट सिर्फ ध्यान दो आप यहां पे, वन डिवाइडेड बाय बोलो, देन प्रेस, देन प्रेस इक्वल टू एम प्लस, क्या बोलो? इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, ओके, टिल टिल स्टेप काउंट कम्स, टिल स्टेप काउंट कम्स, ध्यान दे रहे हो बच्चों? अच्छा इक्वल टू एम प्लस, प्रेस इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स, कितनी बार बोलो? एन टाइम्स, ध्यान है क्या सबका? इक्वल टू एन प्लस कितनी बार प्रेस करो? एन टाइम्स, मैंने स्टेप काउंट एन प्लस टू नहीं बोला, क्या बोला? देन प्रेस मेमोरी रिकॉल का बटन, कौन सा? मेमोरी रिकॉल बटन, समझा क्या आपको ये? एंड ऐसा करते ही यू विल गेट, एंड यू विल गेट एन्युटी फैक्टर, यू विल गेट एन्युटी फैक्टर। एक मिनट सुनो बच्चों, कुछ मत करो। अच्छा ऊपर का क्वेश्चन देखो आप, अपन ने एन्युटी फैक्टर फाइंड किया था वो याद है क्या आपको? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था बच्चों उधर? 12%। तो एक काम करो, चलो कैलसी पे ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12
ले लो, 1/1.12 लिए क्या बच्चों? अब ऐसे करो, इक्वल टू एम प्लस, एक बार किया क्या, और एक बार करो, इक्वल टू एम प्लस, दो बार हो गए ना अभी तक, इक्वल टू एम प्लस, तीन बार हुआ क्या, इक्वल टू एम प्लस, चार बार हुआ क्या, इक्वल टू एम प्लस, पांच बार हुआ क्या, मेमोरी रिकॉल का बटन दबाओ, क्या नंबर है, देखो ये 3.604 है या नहीं है, कुछ गया क्या दिमाग में? एंड आई एम श्योर जो अच्छे से सुन रहा है उसको भी समझा रहेगा इसका लॉजिक क्या है। अब 1/1+r=(=) पांच बार दबाया था उसका टोटल ग्रैंड टोटल, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू एम प्लस मतलब पहला नंबर मेमोरी में स्टोर किया, इक्वल टू एम प्लस दूसरा स्टोर किया, इक्वल टू एम प्लस तीसरा, इक्वल टू एम प्लस चौथा, इक्वल टू एम प्लस पांचवा नंबर स्टोर किया, एंड बाद में बोल रहे भाई पूरा जो स्टोर किया सबका टोटल बता मेमोरी रिकॉल, कौन सा बेटर है? एनी टाइम फर्स्ट वाला, एंड इसमें वो जो सेकंड वाला अभी मैंने बताया मैंने, इसमें स्टेप काउंट भी काम नहीं करता, समझा क्या आपको ये, क्योंकि 1/1+r=(m+) करते हैं स्टेप काउंट 3 आता है, और एक बार इक्वल टू एम प्लस किया तो डायरेक्ट स्टेप काउंट 6 आता है, समझा या नहीं? आप देखो वहां पे ऐसा हो रहा है कि नहीं, आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? कौन सा बेटर है? बट मैंने आपको सेकंड वाला क्यों बताया, जस्ट बाय चांस कभी अपने हाथ में ऐसा कैलकुलेटर आया जिसमें जीटी का बटन ही नहीं है तो अपन ऐसा हेल्पलेस फील ना करें, समझा या नहीं? तो अपने पास वो सेकंड वाला मेथड है ना, एक हाथ कैलकुलेशन के लिए तो कर ही सकते ना यार, है या नहीं? बाय चांस अपने पास कैलकुलेटर आया ऐसे गलती से कुछ जिसमें जीटी का बटन ही नहीं है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स कर देना, मेमोरी रिकॉल इज एन्यूटी फैक्टर, मेमोरी रिकॉल इज एन्यूटी फैक्टर, समझ में आ रहा है आपको? ये लिख के ले रहे हो क्या आप, ये हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर के दो तरीके मैंने बताए, 1/1+r देन प्रेस इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स, एंड देन मैंने इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स, इक्वल टू करके एम प्लस दबाओ मत, बोल नहीं बोला मैंने, समझा क्या आपको? ये इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स, देन प्रेस एमआरसी का बटन एंड यू विल गेट एन्यूटी फैक्टर। सही है बच्चों, हाउ टू फाइंड एन्यूटी फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, क्लियर टू एवरीवन? यस, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको वापस बता दो भाई, ये आपको पहले से करना पड़ेगा तो समझेगा। आप बताओ ये किसी को डायरेक्टली ऐसे आपको लगता है क्या ये पहले दिन समझेगा सब कुछ? ऐसा नहीं होता रहता है कि नहीं? एंड जो लोग सारे लेक्चर अटेंड करते हैं, मेरा बैच पूरा कंप्लीट करते हैं, वो बराबर मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मैं जानता हूँ, समझता है क्या? अब कोई एक दिन उठ के आ जाता है वो बोलता है नहीं भाई बहुत तो कुछ तो स्ट्रिक्ट है ऐसा बोलता है वैसा, वो तुम बोलो मेरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझाया नहीं? कुछ तो ऐसा ये वैसा वो, आपको खुश करना मुझे नहीं आता भाई, है कि नहीं? एंड करना मैं चाहूँ तो भी फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मैं समझ रहा है क्या? एंड अब आपको एक्चुअली वो मैं बोला था ना आपको एक दिन कि आपको खुश करना आसान काम है और मुझे वो करना नहीं है, आज तुम्हारा कुछ क्या है तुमको, तुम चार बार तुम्हारी तारीफ कर दो, सीए करने वाले बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, सब छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ते हैं, तुम बोलोगे थैंक यू सर, है कि नहीं? खुश और क्या है, साथ साथ में और कुछ थोड़ा सा बच्चा बोलो और तू तारीफ करो, पूरे इंडिया में ही तो चल रहा है, सामने वाले की तारीफ करो, सामने वाला क्या बोलेगा अपने आपस में, बराबर है कि नहीं? बात तो तब होगी जब तुम सामने वाले को रियलिटी दिखाओ एंड फिर भी वो तुम्हें अच्छा बोले, समझा या नहीं? वो डिफिकल्ट टास्क है ना, है कि नहीं? तुम सामने वाले को रियलिटी बता रहे हो कि देख भाई ऐसा ऐसा है एंड फिर भी वो बोलेगा हाँ भाई अच्छा है, तुमने कम से कम ये बता दिया मुझे, है कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। एनीवे चलो ये पॉइंट नंबर 106 डन माई फ्रेंड्स, 107 पॉइंट नंबर 107 मिस्टर एम टूक अ लोन ऑफ रुपीज, हाउ मच बच्चों? 10 lakhs, विच इज टू बी रिपेड। अब ये क्वेश्चन से और बहुत खतरनाक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये समझ रहा है कि आपको ये प्रेजेंट वैल्यू का अच्छे से ध्यान दो। मिस्टर एम ने लोन लिया कितने का, 10 lakh का,
कितने इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं उसको ये लोन, चार, करेक्ट है, बट वो चारों इंस्टॉलमेंट इक्वल रहेंगे, समझा क्या? फाइंड द इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, इंटरेस्ट रेट इज 10%, ध्यान दे रहे हो बच्चों? तो आप बताओ, मिस्टर ए हर साल में कितना वापस करने वाला है? पीरियोडिकल अमाउंट, हर साल क्या वापस करेगा? पीरियोडिकल, समझो ये बैंक है, मैं मिस्टर ए हूं, सुनो भी अच्छे से सुनो, बैंक में गया मैं और बोल रहा हूं कि सर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ पैसा दूंगा, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के एंड में कुछ पैसा आपको दूंगा सर, एंड मैं जो दूंगा वो क्या है? इंस्टॉलमेंट। क्या है इंस्टॉलमेंट? मतलब डिपॉजिट है क्या ये? नहीं, ये तो रीपेमेंट है। क्या है? रीपेमेंट है। और वो मुझे बोल रहा है कि सर उसके बदले में आज ही मुझे पैसे दे दो। मैं बोल रहा हूं कि मुझे आज ही पैसे दे दो कुछ, तो आज मुझे वो क्या देगा बताओ? ठीक से बताओ, हाँ बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय फोर पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय फोर पेमेंट्स, समझा या नहीं? तो मेरे चार पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितना है बोलो? 10 लाख। मुझे बताओ मैं उसको क्या देने वाला हूं? हाँ बोलो, फर्स्ट ईयर के एंड में पीरियडिकल अमाउंट, सेकंड ईयर के एंड में पीरियडिकल अमाउंट, थर्ड ईयर के एंड में पीरियडिकल अमाउंट, फोर्थ ईयर के एंड में पीरियडिकल अमाउंट। इसके बदले में मैं उसे ले क्या रहा हूं? लोन। क्या ले रहा हूं? कब? आज। लोन 4 साल के बाद देते क्या? आज। तो लोन मतलब क्या है बोलो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। लोन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो चलो लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो मेरे भाई, एन्यूटी रेगुलर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पीरियोडिकल अमाउंट। अच्छा, पीरियोडिकल अमाउंट की जगह पे इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखू क्या? चलता है क्या बताओ? इस क्वेश्चन, लोन वाले क्वेश्चन में तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ना भाई, वो हर साल में क्या रिपे करने वाला हूं, तो हर साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने वाला जिसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इनटू बोलो एन्यूटी फैक्टर, इनटू बोलो मेरे भाई एन्यूटी फैक्टर। तो चलो बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर कितना है? 10 लाख। और अपने को इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, यस और नो? तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्यूटी फैक्टर फाइंड करने आएगा क्या आपको? कैसे करेंगे बताओ? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू कितनी बार? टिल स्टेप काउंट कम्स 6, टिल स्टेप काउंट कम्स 6, क्योंकि 4 टाइम्स प्रेस करना है ना बार आपको। तो एंड ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, क्या है बताओ? 3.16986544634, ऐसा कुछ है क्या? डिवाइडेड बाय इक्वल टू करो और इनटू 10 लाख, और बताओ आंसर क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हां बोलो मेरे भाई, ₹3,15,471 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 471 पे कर रहे हैं, मतलब करीबन अपन 20 पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, बराबर है ना? क्योंकि 71.80 ऐसे था, नहीं समझा आपको? अपन 20 पैसा ज्यादा पे कर रहे, समझा ना आपको? ठीक है, इतना 471 अप्रोक्सीमेटली, समझा क्या? अब बताओ, 3,15,000 के 4 इंस्टॉलमेंट अपन पे करेंगे, तो अपन 12,60,000 के ऊपर पे कर रहे हैं ना भाई, नहीं समझा अपन? बट अपन ने लोन कितना लिया है बोलो? 10 लाख। आप लोग सर आप ज्यादा रिपे कर रहे हो, मेरे भाई लोन इंटरेस्ट के साथ ही वापस करना पड़ेगा ना, या उससे आप 10 लाख लोगे एंड रिटर्न में राइट पार्ट में 10 लाख से कम रिपे करोगे क्या? नहीं, 10 लाख से ज्यादा ही रिपे करना पड़ेगा, यस और नो? तो आप बताओ, ये 3,15,471 इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट और नॉट? आप सुनो अच्छे से, प्लीज सुनो तो बच्चों। अभी मैं फर्स्ट ईयर के एंड में जाके, ये लड़का बैंक है, इसको क्या दूंगा? हाँ बोलो, 3,15,471। सेकंड ईयर के एंड में जाके इसको क्या दूंगा बोलो? 3,15,471। थर्ड ईयर के एंड में जाके क्या दूंगा? 3,15,471। फोर्थ ईयर के एंड में जाके क्या दूंगा? 3,15,471। अब अच्छे सुनो, इसकी ये मेरे चार पेमेंट के बदले में अगर मैं फोर्थ ईयर के एंड में इससे पैसा लिया तो वो रहेगा फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी। बट अगर ये चार पेमेंट के बदले में मैं आज पैसा लिया तो वो क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। क्या रहेगा वो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो मैं कब पैसा ले रहा हूं इसके यहां पे? आज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी वो कितना है बोलो? 10 लाख। वो कितना है? 10 लाख। लोन अमाउंट, समझा क्या आपको ये? तो लोन अमाउंट इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर।
यस और नो? एंड एन्यूटी मतलब कौन से फॉर्म में हो? इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, समझा क्या आपको ये? तो 3,15,471 का इंस्टॉलमेंट है कि नहीं? पक्का बच्चो? अच्छा समझो, ये किसी को डाउट आ रहा है कि ये करेक्ट है कि नहीं, नहीं भाई वो किसी को लग रहा है गलत है ये, तो ये क्रॉस चेक करेंगे अपन। तो आगे मैंने क्रॉस चेक के लिए टेबल दिया है क्या? क्रॉस चेक के लिए टेबल दिया हुआ दिख रहा है क्या? क्या लिखा है क्रॉस चेक में बताओ? लोन अकाउंट ऑफ मिस्टर एम। तो एक काम करो, यहां तो लगे तो ऊपर ऐसे हेडिंग दे देना, लोन स्टेटमेंट। क्या हेडिंग दे रहे बोलो? मतलब लोन स्टेटमेंट कैसे दिखेगा? किसने लोन लिया? मिस्टर एम ने, समझा क्या? अच्छा चलो मैं सिर्फ यहां पे कंप्लीट करूं क्या अकेला? बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले समझेंगे। तो मुझे बताओ, समझो ये अकाउंट लोन से ओपन हुआ, ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो? 10 लाख। मतलब ये 10 लाख से ही अकाउंट ओपन हुआ। अच्छा ये 10 लाख मेरा बैंक में है या बैंक का मेरे पास है? बैंक का मेरे पास है, मतलब मैं मतलब मिस्टर एम, समझा या नहीं? तो मैंने लोन लिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब इतना देना बाकी है, ऐसा ही होगा ना? तो 10 लाख रुपए का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 10%। कुछ मत लिखो बच्चों, प्लीज ध्यान दे रहा। तो आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 लाख पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा साल भर का? नहीं समझा आपको ये? तो अब मेरा बैंक में, बैंक का मेरे पास 11 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है या नहीं है? बट मैं साल के एंड में गया एंड 3,15,471 भर दिया बैंक में, यस और नो? मैं रिपे कर दिया ना भाई। तो आप कैलसी पे करो, 10 लाख ले लो पहले, तो 10 लाख लिए क्या आप लोग? प्लस 1 लाख करो। प्लस करोगे 1 लाख या माइनस करोगे? प्लस, क्योंकि ये लोन अकाउंट बढ़ रहा है ना, इससे भाई इंटरेस्ट चढ़ेगा ना उसके ऊपर। अब ये 3,15,471 डिडक्ट करोगे या ऐड करोगे? डिडक्ट। तो माइनस 3,15,471। तो आप बताओ मेरा लोन कितना बाकी है? 7,84,529। इतना ही लोन बाकी है। तो आप बताओ 7,84,529 ये सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है क्या? आप बताओ 78,453 अप्रोक्सीमेटली ये इंटरेस्ट है क्या उसपे? 452.9 है, मैंने 53 कर दिया, समझा क्या? ये उसमें ऐड करना पड़ेगा ना आपको। एंड आप बताओ मैंने रिपे कितना किया बोलो? 3,15,470। हर साल मैं उतना ही रिपे करता हूं ना। हाँ तो करो पहले 7,84,529 है उसमें प्लस 78,453 करो आप, माइनस 3,15,471। अब बताओ मेरा लोन कितना बचा है? 5,47,051। मतलब 2 साल के एंड में अगर आपने मुझे किसी ने पूछा भाई तेरा लोन कितना देना बाकी है अभी तक, मैं बोलूंगा भाई बैंक का मेरे पास अभी तक 5,47,511 आउटस्टैंडिंग है, ऐसे ही बोलूंगा कि नहीं? आप बताओ थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 547,551। इंटरेस्ट कितना लगेगा उस पे? 54,751, यस और नो? एंड मैं रिपे कितना किया? 315,471। तो करो 5475 ये जो भी है प्लस 54,751, उस पे 10% इंटरेस्ट है, माइनस 315,471। बताओ कितना लोन बाकी है मेरा? 2,86,791 है या नहीं है? तो 2,86,791 ये ओपनिंग बैलेंस है, उसपे 28,000, हाँ बोलो बच्चों, 80 कर देता हूं, 79 पॉइंट समथिंग है, 680 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, एक रुपये चलेगा क्या? आप बताओ बच्चों। एंड उसके बाद में मैं 315,471 रिपे करूंगा, तो बताओ कितना आया? 0। सही है कि नहीं बताओ? ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट ऐड करो, माइनस रिपे डिडक्ट करो, 0 हो गए, समझा या नहीं? आप लोग दे नहीं सर आपने इंटरेस्ट 1 रुपये ज्यादा लिया, हाँ ठीक है 1 रुपये बैलेंस रहता वहां पे, ये राउंडिंग और डिफरेंस है, समझ रहे हैं आपको? यस और नो? तो आप बताओ ये लोन अकाउंट स्टेटमेंट है, तो बताओ मुझे बैंक से क्या मिला आज? 10 लाख। वो 10 लाख मेरे ये 4 पेमेंट का आज का वैल्यू था, यस और नो? इट वॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, इट वॉज द बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड एन्यूटी क्या था यहां पे बोलो? विनोद रेड्डी पेड 3,15,471 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 4 years एंड उसके बदले में उसको आज क्या मिला? 10 लाख इन द फॉर्म ऑफ लोन विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो आप बताइए ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उसका क्रॉस चेक हुआ क्या भाई? यस और नो? चलो लिखो फिर। अब यहां पे 4 साल था इसलिए क्रॉस चेक हुआ मेरे भाई। अब रियल लाइफ में लोन आपको लगता है कि ऐसे 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिपे होता है? अरे लोगों का 15-15, 20-20 साल का लोन का रिपेमेंट होता है एंड वहां पे एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, मंथली होता है। आपको लगता है सर मंथली रहा तो कैसे होगा? सेम प्रोसीजर मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली नहीं हो सकता क्या?
पीरियोडिकल काम वैसे भी हम लोग कभी आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर बोलना छोड़ दिया हमने कब का, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड, है या नहीं? रियल लाइफ में इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, 99% क्या होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमआई। समझा बच्चों, थोड़ा बहुत कुछ क्लैरिटी है कंसेप्ट में इसमें? Yes, पक्का? Yes, तो ये 107 वाला जो क्वेश्चन था उसी का क्रॉस चेक था क्या बच्चों ये? अच्छा, कल जाके समझो मैं मिस्टर एम था, मैं लोन लिया था ना बच्चों, सुन रहे हो क्या? समझो मैं बैंक को पूछ रहा हूं, अरे यार 10 लाख का लोन है, 3,15,471 ज्यादा ले रहे हो, लूट रहे हो मुझे, गलत कैलकुलेशन किया, तो बैंक वाला ये कैलकुलेशन दिखाएगा ना, एक वो करेगा तो टक 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 एक प्रिंट आउट निकालेगा मुझे दे देगा, हाँ बोले देख भाई ये मेरा, समझा क्या? वो बोलेगा दिस इज द रीपेमेंट समरी, क्या बोलेगा वो? रीपेमेंट समरी, यस और नो? कोई भी, अच्छा देखो अपने को ये सब कैलकुलेशन समझता है, कल जाके कोई फार्मर है, कोई दुकानदार है, जिसको ये सब समझता नहीं दुनियादारी इतनी, करेक्ट और नॉट? वो तो बोलेगा ना कि 10 लाख का लोन लिया, मेरे से 3,15,471 का इंस्टॉलमेंट लिया, 12 लाख से ज्यादा बैंक ने मेरे से ले लिया, लूट लिया मुझे, 10% बोला, इंटरेस्ट तो ज्यादा लिया, 10% ही लिया भाई बराबर, है या नहीं? तो बैंक वाला ये क्या देगा आपको? हाँ बोलो, ये क्या है? रीपेमेंट समरी, बोल के ये देगा कि नहीं? बैंक वाला बोलेगा देखो सर, 10 लाख का पैसा दिया हमने, 10 लाख पे 10%, 1 लाख का ब्याज चढ़ाया, माइनस आपने जो डिडक्ट, आपने जो दिया वो वापस भी कर दिया हमने, डिडक्ट कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस था, जितना ओपनिंग बैलेंस था उसी का 10% इंटरेस्ट चढ़ाया हम लोग, यस और नो? माइनस आपने जो रिपे किया वो डिडक्ट कर दिया, तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया, उस पे 10% इंटरेस्ट चढ़ाया, माइनस आपने जो वापस किया वो डिडक्ट कर दिया, फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस आया उस पे 10% इंटरेस्ट ऐड कर दिया, माइनस आपने जो दिया वो डिडक्ट कर दिया, देखो बैलेंस जीरो हो गया, मतलब आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया, लोन अकाउंट। तो बैंक से कस्टमर को आज क्या मिला? हाँ बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, क्या मिला बोलो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस, अगला क्वेश्चन, विनोद टुक अ लोन ऑफ रुपीज, हाउ मच बच्चों? 25 crores, विच इज टू बी रिपेड इन, बोलो, 50 annual इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। हाँ चलो बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? लोन आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, तो लिखो फिर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, लिख रहे हो क्या बच्चों? ये ऊपर क्रॉस चेक वाला लिख दिया क्या सब आपने ऑलरेडी? चलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर इज इक्वल टू क्या लिखो? पीरियोडिकल अमाउंट की जगह पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखू क्या? यहां पे चलता है क्या? इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब हर साल कितना इंस्टॉलमेंट होगा, इनटू, बोलो मेरे भाई, एन्यूटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर कितना है? 25 crores इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू क्या होगा बच्चों? एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर कैसे आएगा मुझे बताओ? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू कब तक बच्चों? स्टेप काउंट 52 आने तक, स्टेप काउंट 52 आने तक। तो स्टेप काउंट 52 आने तक आप इक्वल टू प्रेस करो, एंड उसके बाद ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करो और मुझे बताओ कितना है वो? 8.30449848646 डिवाइडेड बाय इक्वल टू कर देना एंड इनटू 25 करोड़, बराबर है कि नहीं बच्चों? तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है बताओ मुझे?
तीन करोड़ 1 लाख बोलो 4,166 अप्रोक्सीमेटली। समझा क्या बच्चों, आप बताओ समझा क्या? अब ये देखते हुए क्या लगता है लोगों को, सुन रहे हो क्या बच्चों? सर सुनो तो एक मिनट, अभी मैंने लोन कितना लिया है 25 लाख, लोन कितना लिया है मैं रीपे कर 25 करोड़ का लोन लिया है, एक साल में रीपे कितना करता हूं मैं बोलो 3 करोड़, एंड ऐसे 3 करोड़ के 50 इंस्टॉलमेंट देना है मुझे, मतलब मैं 150 करोड़ से ज्यादा रीपे कर रहा हूं। नहीं समझा आपको है? कितना 150 करोड़, जबकि मैंने लिया बैंक से 25 करोड़ है। आप लोग कह रहे हैं सर अब ये बैंक लूट रहा है, तो ये सब कैलकुलेशन सही है मेरे भाई। आप बताओ, जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे थे तब हम डिपॉजिट करते थे 25 लाख, मिलता था 8 करोड़, समझता है क्या आपको ये? तो जब डिपॉजिट पे मिलता उतना है, लोन पे देना भी उतना ही पड़ता है। ऐसा लगता है अपने को कि सर 25 करोड़ का लोन है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट सब मिला जुला के 35-40 करोड़ पे होगा। कितना पे हो रहा है समझ रहा है क्या आपको? 3-3 करोड़ के 50 इंस्टॉलमेंट, 3-3 करोड़ के। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर ये इतना ज्यादा कैसे पे होता है? मेरे भाई 50 साल तक बैंक का तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है ना कुछ तो थोड़ा बहुत क्यों ना हो, समझ रहा है कि आपको ये? वो कम होते जा रहा है, बट 50 साल तक यू आर यूजिंग द मनी और नॉट, तो उसका वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बेयर करना पड़ेगा ना। समझ रहा है कि आपको ये? तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 3 करोड़ 1 लाख 4,166। टफ था क्या बच्चों ये? चलो अगला क्वेश्चन। ओके चलो बिफोर वी सॉल्व आप यहां पे ध्यान दो, सुनो बच्चों, ये होगा ना सबका, लिखिए। ओके कल जाके सुनो बच्चों, अभी प्लीज कल जाके समझो ये सुनो बच्चों प्लीज, अभी कुछ मत देखो, बोला ना मैंने, समझो ये लड़के का के पप्पा एक लोन ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से। क्या क्वेश्चन है बड़ो? मिस्टर के टुक अ लोन ऑफ 25 लाख्स टू बाय अ कार, कहां से लिया लोन? एचडीएफसी बैंक। बैंक की चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ 8.5%, पीरियड ऑफ रीपेमेंट इज 120 मंथ्स, मतलब कितने साल? 10 साल, बट इंस्टॉलमेंट मंथली है। ओके फाइंड ईएमआई, मतलब क्या? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सुन रहे हो क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि नहीं? समझो कल जाके ये लड़के के पापा बोल रहे चलो भाई कार बाय करते, सुन रहे हो क्या? ये बोल रहा है कि पापा ये कार ले लो, वो पापा बोल रहे हाँ भाई 25 लाख की कार है ले लेते, सुन रहे हो क्या? लेकिन पापा बोल रहे कि 25 लाख मेरे पास तो नहीं है, पूरा का पूरा बैंक देने के लिए तैयार भी है लोन के फॉर्म में, तो लोन कितना लेना पड़ेगा? या समझो गाड़ी 30 लाख की ले रहे, सुन रहे हो क्या? जिसमें 5 लाख इसके पापा के पास ऑलरेडी है सेविंग, तो 25 लाख का लोन ले रहे। 25 लाख का लोन किससे ले रहे? एचडीएफसी बैंक से। तो समझो इसके पापा इसको पूछ रहे बेटा तू कॉमर्स का स्टूडेंट है, तू सीए कर रहा है, 25 लाख का मैं लोन लूंगा, ओके 10 साल अपन रीपे करेंगे हर महीने में, 10 × 12 = 120 महीने। समझाया नहीं बेटा? हर महीने में कितना बर्डन आएगा वो बता, ताकि मैं भी कैलकुलेशन कर सकूं कि मैं हर महीने में कितना कमाता हूं, घर खर्चा कितना है, करेक्ट और नॉट? तो मैं कितना ईएमआई बेयर कर सकता हूं? अगर मैं बेयर कर सकता हूं तो चल भाई ले लेते कार, यस कुछ मत लिखो हाँ बच्चों, ले लेते कार, यही सोचेंगे ना ये लोग, यस और नो? तो आप मुझे बताओ ये 25 लाख क्या है? आप बताओ 25 लाख क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। ये 25 लाख मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है क्या बताओ आप मुझे? 25 लाख इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी और नॉट? जो कितना है इस क्वेश्चन में बोलो? 25 लाख्स, यस और नो? आप बताओ इंस्टॉलमेंट अमाउंट की जगह इस क्वेश्चन में मैं ईएमआई ऐसे बोल दू क्या? क्योंकि इंस्टॉलमेंट मंथली है यहां पे, इनटू एन्यूटी फैक्टर, इनटू बोलो एन्यूटी। अब अक्सर स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करता है, समझा क्या? अब सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, बट 8.5% पर मंथ है क्या? नहीं, राइट, 8. बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाता है? 8.5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है। समझा क्या बच्चों? तो आप एक सबसे पहले तो कैलसी पे 8.5 / 12 का आंसर बता देना मुझे, 8.5 / 12 का, 8.5 / 12 किए क्या आप लोग? एंड डिवाइड बाय 100 कर देना, डिवाइड बाय 100 मतलब वो समझा ना परसेंट है, वो कितना है मुझे बताओ, जस्ट बता के रखो मुझे, 0.00 0.00 0.00 7 0 8 3 3 3 3, ऐसा कुछ है क्या? सही है क्या बच्चों? हाँ चलो आप बताओ, एन्यूटी फैक्टर अपने को कैलकुलेट करना है, कैसे करना पड़ेगा बताओ, अपना प्रोसीजर क्या है बताओ? 1 / 1 बोलो
00703333333 कितने लोगों को यहां तक समझा? 1 डिवाइडेड बाय 1.00703 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। आर मैंने कहां से लाया समझा क्या? कहां से लाया बोलो? आर इज, बोलो पहले क्या था आर मेरे भाई? 8.5 था कि नहीं? मतलब 0.0850 था। डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय 12 का ही आंसर है। नहीं समझा आपको? 8.5 डिवाइड बाय 12 का वो आंसर है मेरे भाई। बट 8.5% मतलब 0.0850 होता है ना, डिवाइड बाय 12 का ही आंसर है। तो एक काम करो, कैलसी ऑन करो, वापस ऑन करो, कर दिया आपने, एंड करो 1 डिवाइडेड बाय 1.00703333333 कर दिया क्या आपने? अब क्या करोगे? इक्वल टू का बटन कब तक? इक्वल टू का बटन कब तक? स्टेप काउंट 122 आने तक। क्या आने तक? क्योंकि 120 इंस्टॉलमेंट है। यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? नहीं तो इक्वल टू का बटन दबाओ, स्टेप काउंट 122 आने तक। स्टेप दूसरा कैलसीफाई करने, स्टेप काउंट 122 आने तक कर रहे हो क्या बच्चों? 122 तो आने तक करो, एंड उसके बाद में ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ। कौन सा? ग्रैंड टोटल। एंड बताओ ग्रैंड टोटल कितना है? बता बेटा, ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, और वो कितना है ग्रैंड टोटल बताओ मुझे? 80.6544697922 ऐसा कुछ है क्या बताओ आप मुझे? ऐसा कुछ है क्या? बराबर है बच्चों? कितने लोगों को समझा यहां तक? कैलकुलेशन जो पहले था एनुअल था वही है ना मेरे भाई कैलकुलेशन यहां पे? एंड आप बताओ डिवाइड बाय इक्वल टू करो एंड इनटू 25 लाख। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 80.6544697922 क्या अमाउंट है बोलो? बोलो 30,990 पॉइंट कुछ तो है। चलो 30,996 आंसर है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब सुनो बच्चों, अभी दो मिनट के बाद लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके ये बच्चे के घर पे डिस्कशन चल रहा था, इसने पापा को बोला एक दिन, पापा पापा नया घर नया कार बाय करना है। पापा बोले भाई नए कार के लिए पैसे नहीं, मेरे पास 5 लाख रुपए सेविंग है। ये बोल रहा है कि पापा 5 लाख का सेविंग करो, सेविंग दे दो एंड 25 लाख का लोन ले लो HDFC बैंक से, है कि नहीं, एंड कार खरीद लो पापा। HDFC बैंक का स्कीम है 120 इंस्टॉलमेंट से वापस करना है, 10 साल में कार का लोन अपन क्लियर कर देंगे। सुन रहे हो क्या? फिर ये बोल रहा है कि भाई बट लोन तो लेंगे हम लोग, बट EMI भी तो भरना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या? ये पापा को बोलेगा, पापा आपका 2 लाख रुपए मंथली सैलरी है, उसमें से घर खर्चे में आपके 50,000-60,000 रुपए जाते। सुन रहे हो क्या? आपका 70,000 रुपए घर का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी है। सुन रहे हो क्या? 20-25,000 रुपए अपने को और यहां पे लगते हैं घर पे, उसके बावजूद भी पापा आपके पास में करीबन 35,000 रुपए बच रहे, उसमें से सिर्फ EMI 30,996 देना है या नहीं है? तो आप बताओ कहीं ना कहीं ये EMI अपन बेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो देखेंगे ना एज अ फैमिली, यस और नो? मैं यहां पे ये बिल्डिंग में प्रॉपर्टी खरीद लिया, सुन रहे हो क्या, जिसका EMI है, एक्चुअल में बोल रहा हूं मैं, 2,87,000 पर मंथ। कितना EMI है? EMI मतलब ऑब्वियसली पर मंथ ये 2,87,000, बट 2,87,000 मैं हर महीने में पे कर सकता हूं क्या? ये मैंने पहले चेक किया रहेगा कि नहीं प्रॉपर्टी लेने के पहले? प्रॉपर्टी लेते वक्त मैं यही सोचूंगा ना कि भाई ये EMI मैं बेयर कर सकता हूं क्या? यस और नो? जब मैं घर खरीदा, समझा क्या, घर खरीदते वक्त मैं, मुझे बैंक वालों ने बताया कि चलो भाई 20 ईयर्स का रीपेमेंट पीरियड है एंड EMI है 1.5 लाख रुपए। EMI है कितना है बोलो? 1.5 लाख। तो मैं हर महीने में 1.5 लाख बैंक को दे सकता हूं क्या? उतनी मेरी इनकम है क्या? उतनी रहेगी क्या? एंड अगर कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ये सब सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सही, सिंपल। अब बता, कोविड में हजारों बिजनेसेस बंद हो गए, इसका टॉप रीजन वाज EMI। समझा या नहीं? क्योंकि उनका EMI जा रहा था, सब कुछ सही, कब बिजनेस चल रहा था तब ना। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? अच्छा सब सिंपल, हमारे घर के बाजू में एक कॉफी शॉप है, सुन रहे हो क्या, मेरा एक दोस्त का कॉफी शॉप है, ओके। वो जो भी कुछ है महीने भर का उसका कलेक्शन होता था 2.5-3 लाख रुपए, सब खर्चा वर्चा जाके 1.5 लाख रुपए बचता था, उसमें से वो 60-70,000 रुपए का EMI भरता था। सुन रहे हो क्या आप? आयन 50,000-60,000 रुपए खुद कमाता था, 50,000-60,000 रुपए कुछ तो। अच्छा मिडिल क्लास फैमिली चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा शान शोक नहीं है, अपना टिपिकल मोह खा पी के खुश है। सुन रहे हो क्या?
आप बताओ, कोविड में इंस्टॉलमेंट बंद किया क्या बैंक ने? नहीं, बट उसका रेवेन्यू जीरो हो गया। कॉफी शॉप का रेवेन्यू क्या था कोविड में? जीरो ना यार, समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो आप बताओ, राइट? उनको तो बेचारे को तो बिजनेस बंद करना पड़ा ना कुछ महीनों में, एंड वो वापस भी नहीं आ पाए यहां पे, क्योंकि वो इतना बर्डन हो गया है सब कुछ, एंड वो बैंक का रिपे करे एंड ऑल दो थिंग। उस केस में उनको कुछ एसेट बेचना पड़ा, भाई ये बेच के दे देते बैंक को। फिर वॉज नॉट सो इजी टाइम फॉर पीपल, करेक्ट और नॉट? जैसे कि राइट, मेरा एक दोस्त है जिसका थिएटर है कोथरूड में, ओके, वो बोल रहा था भाई ये रेवेन्यू का पूरा क्या लग चुकी है पूरी, ओके, राइट, ये थिएटर की, समझ रहा है क्या? एंड प्रॉपर वो बोल रहा था मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे किया 2.5 करोड़ रुपए। अरे कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स कम होते क्या? समझ में आ रहा है? अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्या 2-4 लाख आता है क्या? आप समझ रहे हो या नहीं? यहां पे एक दो हॉल खरीद लिए तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स रहता है 2.5-3 लाख रुपए साल का। आप समझ रहे हो? बड़े बड़े बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स भी तो रहता है ना, जो कॉरपोरेशन को पे करना पड़ता है। पता है क्या आपको ये? सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं होता है, और भी टैक्सेस होते, पता है ना आपको? है या नहीं है? तो आप बताओ, वो बोल रहा है रेवेन्यू नहीं है, करेक्ट है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, समझ रहा है क्या? वो बोल रहा है कि भाई 150 लोगों का स्टाफ काम करता है मेरे पास, उनको मैं अगले साल से महीने से सैलरी देना बंद कर दूं तो वो लोग घर पे रास्ते पे आ जाएंगे, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, समझ रहा है कि नहीं? वो लोगों की बद्दुआ से मर जाऊंगा मैं, समझा या नहीं? कम से कम 4-5 महीने 6 महीने साल भर उनको सैलरी देना पड़ेगा। वो लोग भी बोल रहे कि भाई सर हम काम करने के लिए भी तैयार है, जान गई तो भी चलेगा बट हम काम करेंगे सर, अदरवाइज घर पे खाएंगे क्या? बट उनको काम क्या दे यहां पे, थिएटर बंद है तो? है या नहीं है? तो कोविड में पीपल हैव सफर्ड लाइक एनीथिंग और नॉट? तो आप कल जाके आप लोन लोगे तो लोन लेते वक्त ईएमआई कितना आएगा, करेक्ट और नॉट? वो कितने साल तक आप वो बर्डन बेयर कर पाएंगे? आपका इनकम क्या रहेगा? इनकम कम हुआ तो भी ईएमआई जा पाएगा क्या? ये सब कैलकुलेशन करके ही आपने लोन लेना चाहिए ना, यस और नो? तो आप बताओ, इसके पापा 25 लाख रुपए का कार लेते वक्त ये सोच रहेंगे ना कि 30,996 का ईएमआई आएगा, अगले 120 मंथ्स पे करना होगा, कैन वी अफोर्ड इट? कैन वी अफोर्ड इट? यस आंसर ले लो कार, यस और नो? अदरवाइज 5 लाख 7 लाख 8 लाख की भी कार आती रहेगी ना, यस और नो? तो कितना ईएमआई हम बर्डन बेयर कर सकते हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं? तो कल जाके सुनो बच्चों, एज अ सीए स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, कल जाके आपके घर में फैमिली में कोई लोन ले रहा है तो आप उसको पूछो कि भाई लोन अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पीरियड ऑफ रिपेमेंट कितना है। आप खुद कैलकुलेशन करो और उनको बोलो कि फिर इतना ही ईएमआई है या ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो आपको लूट रहा है कोई, यस और नो? आप खुद ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे कि नहीं उनको? फिर उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए बोलो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बट इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं समझा क्या? 1/1.0850 करता है, वो 8.50 एनुअल रेट है, समझा क्या? आपको मंथली करना पड़ेगा ना उसको पहले। अच्छा, आपने 1/1.0850 किया तो एज गुड एज आप एनुअली रिपे कर रहे हो, ऐसा हो रहा है वो? एनुअली रिपे कर रहे हो क्या यहाँ पे? नहीं, मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली लगेगा ना भाई। मतलब एक्चुअली हर महीने में इनटू 8.5% डिवाइडेड बाय 1/12 होता है, इनटू 8.5% डिवाइडेड बाय 1/12 ओपनिंग बैलेंस इनटू 12% इनटू 1/12, मतलब एज गुड एज वो 0.007 वो इंटरेस्ट लग रहा है ना बच्चों, यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? नो डाउट। अभी ये तो अपन कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज करके सब ला रहे हैं। आपके पास मोबाइल है क्या? मोबाइल में इंटरनेट है क्या? ओपन करो मोबाइल, गूगल ओपन करो, गूगल ओपन करो, गूगल गूगल ओपन करो, कर दिए क्या? बस जितना मैं उसी बहाने व्हाट्सएप मत देखना। गूगल ओपन किए क्या? गूगल में टाइप करो ईएमआई कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करो, किए? क्या आया? क्या आया? लोन अमाउंट बोला क्या? हाँ चलो एंटर लोन अमाउंट, 25 लाख डाल दो लोन अमाउंट में, लोन अमाउंट में 25 लाख रुपए डाल दो। डाल दिए क्या बच्चों? उसके बाद में क्या बोल रहे हो? लोन टर्म, लोन टर्म में डाल दो 120 मंथ्स, 120 मंथ्स या सामने ईयर्स रहा तो 12 कर दो। क्या है सामने, मंथ्स है या ईयर है? तो 12 कर दो, सॉरी 10 ईयर्स कर दिया क्या आपने? नीचे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर डाल दो 8.5 डाल दिया क्या आपने? नीचे क्या है? कैलकुलेट ईएमआई है या क्या है? हाँ करो। हाँ क्या आया, क्या आंसर आया? 30,996 आया कि नहीं आंसर? आया क्या भाई? क्या आया 30,000? समझ रहा है क्या? तो वो वहां पे उन्होंने डायरेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम करके रखा है, अपना अपन दिमाग को तो फॉर्मूला डालना पड़ेगा ना, समझा क्या आपको ये?
तो कितने लोन का कितना ईएमआई आता है ये समझा क्या आपको? तो क्या ईएमआई है आपने देखा क्या अभी गूगल पे? यकीन हुआ क्या 30,996 का ईएमआई आया कि नहीं बच्चों? ये तो अपन गूगल पे कर लिया। अब देखो बच्चों, ये मैंने एक सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर बताया। कल जाके आप कभी आपकी बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो आप ये ईएमआई कैलकुलेटर लेके कितना लोन लिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टर्म है, तो कितना ईएमआई आएगा तुरंत आप चेक कर सकते हो कि नहीं, एंड उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये लोन लेना है या नहीं लेना है। बैंक वाला कभी कभी आपको ये भी बोल सकता है कि भाई आपको 15 साल का टर्म चाहिए या 20 साल का टर्म चाहिए रीपेमेंट का। सुन रहे हो क्या? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि 15 साल रीपे करूंगा तो हर महीने कितना पे करना पड़ेगा, 20 इयर्स रीपे करूंगा तो हर महीने कितना रीपे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दी टर्म्स एंड कंडीशंस और नॉट। एक बैंक के साथ लोन लेते हो तो आप एक निगोशिएट कर सकते हो कि नहीं अकॉर्डिंगली? कुछ जा रहा है दिमाग में? तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है बोलो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। चलो ये लिख के ले लो, एंड आई होप कुछ समझा है आपको ये। बस मोबाइल रखो अभी अंदर। साथ साथ में देख लिए, एक दो मैसेज देख लिए। यस, हो गया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन। ये लिखा क्या सब लोगों ने? व्हेन देयर इज अनलिमिटेड या इनफाइनाइट पीरियोडिकल पेमेंट्स, उसको अब क्या? सब लोग ध्यान दो, एक और इस चैप्टर का भी लास्ट फॉर्मूला अपन सीखने वाले, लास्ट एक फॉर्मूला बस। एग्जांपल्स इसके आगे भी है बट फॉर्मूला और एक लास्ट है। ध्यान दे रहे हो सब लोग? प्लीज बच्चों चलो गए डिस्कशन, जो भी मेरे लेक्चर के बाद जो करना है करो, समझ रहे? ये पहले लेक्चर में थोड़ा शांति बना के रखो, रोज गाली खाने की जरूरत नहीं है ना, यह है। इससे बाद में क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पागल है, ये अरोगंट है, जो बोलना है बोलो भाई, मैं एग्जैक्टली जानता हूं मैं क्या काम कर रहा हूं, समझ रहा है कि नहीं? एंड तुम में से जो भी कुछ थोड़े बहुत भी जिनको मैथमेटिकली समझ है जिनको, राइट, उनको मैं कभी खराब नहीं लगूंगा, मैं जानता हूं ये है कि नहीं। बस अपना कुछ तो वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है वो टेलीग्राम के डाउट सब। तुम अच्छा देखो, तुम्हारे एंगल से सोचते हो, टेलीग्राम पे जो डाउट करते हो उनको बोलता हूं मैं, तुम मेरे एंगल से सोचो, दो मिनट के लिए सोचो तुम्हारे डाउट। वो भी एक तो हिंदी में कुछ तो टाइप किया रहता है प्रॉपर, वो पूरा इंग्लिश भी नहीं रहता उसमें, वो हिंदी बट इंग्लिश में टाइप किया हुआ, समझ रहे कि नहीं? वो कल एक जन को क्या क्वेश्चन पूछता है मुझे, सर वो इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट एन्युटी में मिलता है? अब इसका मीनिंग समझाओ मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट, क्वेश्चन का भी पता नहीं है कुछ। अच्छा एन्युटी में कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा एन्युटी में भी मिलता है क्या सर? क्या जवाब दे यार, है कि नहीं? एंड बाद में कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन मार्क, बाद में बोलेगा कि सर मेरा डाउट एंटरटेन नहीं किया, है कि नहीं? मतलब मुश्किल है कि नहीं आप बताओ, है कि नहीं? एंड अच्छा समझो, इसको अगर मैंने बोल दिया कि नहीं भाई ये ऐसा है वैसा है, वो सिर्फ बिजनेस है, टीचिंग नहीं है। वो क्या है? सिर्फ बिजनेस है, टीचिंग नहीं है वो, समझता है क्या? टीचिंग जो है ना वो सामने वाले को बोलता है कि भाई तू ये करने के पहले तेरे को कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ये है। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तुम लोगों को कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या है आजकल बता दे कि भाई ऐसा टीचर, अरे राइट, हम लोगों को टीचर ऐसा छड़ी से धोते थे लिटरली बचपन में, समझ रहे? माँ बाप छोड़ो, टीचर लोग, एंड उनका कभी हमको कुछ लगा नहीं यार, लगा कि भाई ये अपने भले के लिए कर रहा है, समझ रहे कि नहीं?
ऐसा बचपन गांव में टीचर ऐसा धोता था टीचर, बता था भाई इतना नहीं कर सकता। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में 30 तक टेबल्स करवा के लिए थे यार हमको, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। एंड वो 30 तक टेबल वो छोड़ो 30, वो दूसरे टेबल रहते पता है क्या आपको, 1 × 1.5 × 1.5 × 1.5 = 2.25, वैसे टेबल भी कंप्लीट करके लिए थे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। एंड आपको लगता है न्यूज़ कौन सी इतने एडवांस स्कूल में पढ़े, गांव में यार पेड़ के नीचे, कहां पे पेड़ के नीचे, बारिश आई तो छुट्टी मिलती थी हमारे स्कूल को, क्यों, क्योंकि दीवार ही नहीं थी, आप समझ रहे हो क्या। एंड बाद में इधर इतना फैसिलिटी मिलके इधर टेलीग्राम पे डाउट टाइप करता है बच्चा, कैसे करते हैं सर, अच्छा भाई तेरे बुक में, बुक में कहां है भाई, मैंने लिख के लिखा है, लिख के वो चैप्टर में है, वो चैप्टर में कहां है। एंड उसके बाद में भी मैंने पेशेंस रखना एक्सपेक्टेड है, क्यों, क्योंकि क्योंकि सब गंदा है पर धंधा है, बराबर है कि नहीं, कंज्यूमर है, जरा अपने आप को कंज्यूमर से बाहर आके स्टूडेंट कैटेगरी में डाल दो, फिर आपको समझेगा कि मैं कितना करेक्ट हूं। दो मिनट के लिए रिलेशन सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर छोड़ के टीचर एंड स्टूडेंट कर दो, फिर आपको दिखेगा मेरे आंखों में कितनी सच्चाई है, समझा या नहीं। सिर्फ ये रिलेशन क्या करो, कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर छोड़ के क्या करो, स्टूडेंट एंड टीचर में डाल दो, फिर आपको समझेगा है या नहीं। चलो पॉइंट नंबर 111 करें बच्चों कंटिन्यू, ओके। When there are unlimited or infinite periodical payments or receipts, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, perpetuity, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा समझो, मैं हर महीने में, सुन रहे हो क्या, हर महीने में बैंक में जाके 20,000 डिपॉजिट करता हूं, और ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं कि 20,000 कब तक, दैट 20,000 विल बी डिपॉजिटेड फॉर एवर, विल बी डिपॉजिटेड फॉर एवर, तो उसको क्या बोला जाता है, परपेचुटी, क्या बोला जाता है, परपेचुटी। आपको लग रहा है सर ऐसे अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, राइट। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि मैं कल जाके नहीं भी रहा तो भी मेरा अकाउंट डेबिट करो, या मेरा अकाउंट का जो नॉमिनी रहेगा उसको डेबिट करते रहो तुम, यस और नो। तो बट ये परपेचुटी का मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं, सुन रहे हो क्या बच्चों, इमेजिन करो सपोज ये मेरा बेटा है और ये लेट से मुंबई को पढ़ने जाना चाहता है, सुन रहे हो अच्छे से, वो बोल रहा है पापा मुझे मुंबई जाना है पढ़ने, मैं बोल रहा ठीक है बेटा जा, वो बोल रहा है कि पापा मुझे हर साल में हर साल का 20,00,000 रुपए चाहिए, कितना चाहिए 20,00,000 रुपए, पापा मुझे जो उधर कुछ करियर करना है, उधर फ्लैट रेंट पे लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कुछ करना है मुझे, जो भी कुछ है मुझे पापा हर साल का कितना चाहिए 20,00,000 रुपए, सुनो तो बच्चों। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा हाँ चलो भाई बच्चा 20,00,000 रुपए मांग रहा है साल का, मैंने 2 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में FD किया, सुन रहे हो क्या आप, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे बोल रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा साल का, तो 2 करोड़ का 10% कितना होता है 20,00,000। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बोला मैंने हर साल, सॉरी हर महीने बोला था, हर साल बोला था, हर साल इसको 20,00,000 रुपए इसके सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, मुझे इंटरेस्ट दो भी मत, सिर्फ मेरा प्रिंसिपल तो अभी भी इंटैक्ट है, नहीं समझा आपको, आप बताओ मेरे बेटे को 20,00,000 रुपए हर साल कब तक मिलेंगे, जब तक वो चाहे, 1,000 साल मिलेंगे क्या, क्यों नहीं मिलेगा, यस और नो। तो मैंने बैंक में आज डिपॉजिट क्या किया, हां बोलो, 2 करोड़, 2 करोड़, वो 2 करोड़ कैलकुलेट कैसे किया बताओ, 20,00,000, हां बोलो, डिवाइडेड बाय 10%, करो कैलसी पे, 20,00,000 डिवाइडेड बाय 10%, कॉमन सेंस, 2 करोड़ भाई, अरे 20,00,000 किसका 10% है, 2 करोड़ का, समझा क्या आपको, ये आपको ये डिवाइड बाय समझता क्या कैलसी पे, अच्छा मुझे बताओ 1,000 का 3% कितना था, 1,000 × 3% 30 रुपीज आया क्या, बट अगर आपने को जानता है कि जानना है कि 30 रुपीज किसका 3% है, तो आप कैलसी पे कैसे करते हो, 30 / 3% करो, 30 / 3% वापस 1,000 आ जाएगा, अरे 1,000 को इंटू 3% करके 3 आया है ना, 30 आया है ना, तो 30 / 3% वापस 1,000 आएगा कि नहीं, तो आप बताओ मेरे बेटे को हर साल कितना पैसा चाहिए था, 20,00,000, तो मैं यही सोचा 20,00,000 किसका 10% है, तो 20,00,000 / 10% क्या आएगा बोलो, 2 करोड़, तो इसका मतलब मैंने 20,00,000 / r 20,00,000 / r 0.10 यही फॉर्मूला यूज किया ना,
20 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, यही फॉर्मूला यूज किया कि नहीं? आप बताओ मेरे बेटे को 20 लाख कब तक मिलेंगे, कितने साल तक मिलेंगे? जब तक वो चाहे तब तक, यस और नो? अच्छा वो समझो 80 साल तक वो लिया पैसा, मरते मरते उसने बोल दिया कि यही 20 लाख रुपए हर महीने में उसके बेटे को दे दो, तो उसके बेटे को मिलता ही रहेगा ना ये? जब तक वो 2 करोड़ को में कोई हाथ नहीं लगा रहा है, तब तक को तो हर साल 20 लाख लगेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ? यस और नो? तो सिंपल मेरे भाई, एजुकेशन में खर्चा है, राइट? कोई भी चीज में खर्चा है, बट अगर अपन प्रॉपर प्लानिंग किए तो बहुत काम आसान हो सकता है, बहुत काम आसान हो सकता है। सिंपल फॉर एग्जाम्पल, ओके आप बताओ, आप पुणे में एजुकेशन के लिए आए, आपका साल भर का खर्चा कितना है? फीस वीस खाना वाना सब मिला जुला के बताओ, सब मिला जुला के, फीस हॉस्टेल व्हाट एवर इट इज, कॉलेज का फीस व्हाट एवर, सब मिला जुला के साल का खर्चे का टोटल बताओ। चलो आप 2 लाख बोल रहे हो, मैं 3 लाख बोलता हूँ, चलो ओके 3 लाख साल का टोटल, सुन रहे हो क्या भाई? 3 लाख साल भर का ना, 3 लाख बोलो साल भर का टोटल है। तो आप बताओ, समझो आपके पप्पा ने आपके लिए सिर्फ 30 लाख का सेविंग किया है, कितना? 30 लाख का जिंदगी, तो आप पैदा हो गए तब से आज तक कितना बोलो? 30 लाख, आप जो पैदा हो गए तब से बोल रहा हूं मैं, 30 लाख रुपए आपके अकाउंट, तो 30 लाख रुपए का सुनो तो एक मिनट, वो यहां पे समझो एफडी करेंगे, कितना? 30 लाख का, सुन रहे हो क्या? समझो 2 मिनट के लिए मान लो उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है, सुन रहे हो क्या? तो 30 और बैंक को बोलो 30 लाख का 10% हर साल मेरे बेटे को दे दो, यस और नो? आप बताओ, तुम हर साल तुम्हें 3 लाख मिल रहे कि नहीं? 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद, जब भी है, तुम सीए बन गए, आप बताओ आप सीए बन गए, अभी भी 30 लाख को हाथ भी नहीं लगाए, समझाया नहीं? इधर तुम्हारे पापा आएंगे, आपको लेके जाएंगे, आप सीए हो, ऊपर से वो 30 लाख भी लेके जाएंगे बैंक से, समझाया नहीं? तो आपका एजुकेशन कैसे हुआ? इंटरेस्ट में हुआ ना भाई, यस और नो? आपका एजुकेशन तो इंटरेस्ट में हुआ ना, तो 30 लाख रुपए आपके लिए सेव कर सकते हैं, तो होता है कि नहीं आप बताओ? करेक्ट है? जबकि अभी देखो मैं कुछ बोल रहा हूं उसको अदरवाइज मत लेना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अपने यहां पे शादी में खर्चा कर दिया 1.5 करोड़, बराबर है? अच्छा वो 1.5 करोड़ पापा ने सेव कब, कितने साल किया था? 25 साल, बेटी पैदा हुई तब से सेव किया था। एंड कितना खर्चा किया शादी में? 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, लोग आते हैं, इतना खाना वाना खाते हैं, फुल शाही इंतजाम रहता है, इतना बड़ा प्लेट रहता है, 200 आइटम्स रहते हैं उसमें, 1000 स्टॉल रहते हैं, बराबर है कि नहीं? दुनिया भर का तामझाम, एंड लोग जाते जाते क्या बोलते हैं? रबड़ी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? जामुन थोड़े काले ठटे थे, बराबर है कि नहीं? अरे वो 25 साल पैसा जमा किया यार उसका बाप लड़की का, एंड ये बोल रहा है नमक कम था, समझ रहा है कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? नमक कम था। तो व्हाट आई फील इज, देखो तुम्हारे राइट ये रह सकता है, आप लोग का न्यूज़, अंबानी ने भी 1000 करोड़ का खर्चा किया। एक मैं कैलकुलेशन देख रहा, सुनो, एक मैं कैलकुलेशन देख रहा था कुछ दिनों पहले, अंबानी ने 1000 करोड़, 1000 करोड़ डिवाइड बाय अंबानी का नेटवर्थ कितना आता है, वही परसेंटेज एक जन ने रील बनाया था या कहीं, तो वो बोला कि यही परसेंटेज अपने इनकम पे अगर अप्लाई किए ना बच्चों, तो शादी में 6000 का खर्चा अलाउड था उसको, कितना? 6000, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करोड़ डिवाइड बाय अंबानी का इनकम, समझा या नहीं? वही परसेंटेज अपने इनकम पे लगाया ना, तो अपने में शादी में 6000 खर्चा करना चाहिए। अंबानी के लिए 1000 करोड़ क्या है? पीनट्स है भाई, यस और नो? 100 करोड़, 500 करोड़ जो भी कुछ है उसके लिए पीनट्स है ये। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सीधी सी बात है, अपन यहां पे जो वेस्टफुल खर्चे करते हैं, मेरा ये एडवाइस है, आपको मानना है नहीं मानना है आप पे डिपेंड करता है कि नहीं? नो डाउट आप पे भी अपने अपने प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि ये फालतू के फंक्शंस करके, ये करके वो समझ रहा है क्या? आपको लगता है ये फालतू का फंक्शन है क्या? ये लोगों को दिखाने के लिए जो करते ना अपन, वो बोल रहा हूं मैं। शादी 50 लोगों में, 100 लोगों में भी होती है, समझ में आ रहा है या नहीं? ये फालतू का शो ऑफ में जो अपन खर्चे करते हैं, शो ऑफ में लोगों को दिखाने के लिए, जिसका लोगों को कोई पड़ा भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। आप बताओ उतना ही पैसा, वही जिनकी शादी हो रही है ना बच्चों, उनके नाम पे उतने ही पैसे के शेयर्स लेके दिए ना बच्चों, तो हो सकता है कि उनको जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका बच्चों का एजुकेशन, घर, EMI सब उसमें से निकल रहा है, क्वाइट पॉसिबल। जितना खर्चा सिर्फ किस में कर रहे हैं? शादी में कर रहे, हो सकता है कि उसके आगे का सब कुछ उसमें आ जाएगा, बट वो फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, कुछ है कि नहीं? कहीं पे अपने को ये कर रहे, एंड अरे कुछ कुछ लोग तो लोन लेके शादी में खर्चा करते हैं यार,
लोन लेते एंड वो लोन रीपे करते बाद में, समझ रहा है कि नहीं? मतलब किस चीज के लिए तुम रीपे कर रहे हो भाई? ये लोगों को जामुन खिलाने के लिए है कि नहीं, जो थोड़े मीठे कम थे, बराबर है कि नहीं? उसके लिए हम लोग वो जिंदगी भर काम कर रहे हैं क्या भाई? तो एक फाइनेंस, कल जाके अपन किसी को कुछ बोल रहे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे, तो ये शो ऑफ वाली चीजें नहीं रखने का उसमें बचो, समझ रहा है कि नहीं? फालतू, क्योंकि उतना ही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे, किसान विकास पत्र लेंगे, पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो, सिल्वर ले लो, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो दैट विल ग्रो एट अ एक्सपोनेंशियल रेट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप वो 1.5 करोड़ शादी का खर्चा किया, वो सिर्फ 1.5 करोड़ मत पकड़ो मेरे भाई, 1.5 करोड़ वो कहां तक पहुंचने वाले आगे, 10 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्टेड रहा तो, उतना पैसा तुमने शादी में कर दिया ना, फिर उससे अच्छा 5-10 लाख रुपए में शादी कर दो। है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई कुछ करो ही मत, है या नहीं? नो डाउट एक बेयर मिनिमम या वॉट एवर इट इज तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी कुछ होता है उतना तुम कर सकते हो, करेक्ट और नॉट? बट फालतू, अरे कुछ कुछ लो, अरे शादी तो छोड़ो, बाकी छोटे मोटे फंक्शंस में, इसमें उसमें, मैं ये नहीं, वो आपको लगता है कि नहीं सर बड़ी तो अंबानी तो करता है, मेरे भाई अंबानी भी फोकट का खर्चा नहीं कर रहा है। आप लोग सर अंबानी ने 100 करोड़ 1000 करोड़, वो अंबानी के लिए 1000 करोड़ कुछ भी नहीं है भाई, यस और नो? तो वही परसेंटेज तुम्हारे इनकम पे अप्लाई किया तो तुम अप्लाई करो वही परसेंटेज तुम्हारे इनकम पे, तुम्हारे वेल्थ पे, आपको समझेगा कितना खर्चा कर रहे हो आप, समझ रहे हो क्या? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो आप बताओ, इसको मेरे बेटे को हर साल कितना पैसा चाहिए था? 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, राइट, कितना था बोलो? 2 करोड़। तो मैं 2 करोड़ बैंक में रखा, हर साल इसको 20 लाख मिलेगा कि नहीं? कब तक मिलेगा? जब तक वो चाहे तब तक, यस और नो? तो बता, 2 करोड़ मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 2 करोड़ क्या था? प्रेजेंट, सुनो 2 करोड़ क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेच्युटी। क्या था वो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मतलब 2 करोड़ वॉज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 लाख पेएबल टू माय सन फॉर इनफाइनाइट इयर्स। समझा या नहीं? फॉर इनफाइनाइट टाइम, जब तक वो चाहे तब तक मिल सकता है कि नहीं? तो बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेच्युटी का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया यहां पे? बोलो, 20 लाख डिवाइडेड बाय 0.10। तो 20 लाख क्या था बोलो? पीरियोडिकल अमाउंट, मतलब उसको हर साल कितना चाहिए वो, यस और नो? डिवाइडेड बाय क्या किया था बोलो? 0.10। वो क्या था? आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेच्युटी। इससे सिंपल फॉर्मूला है क्या कोई भाई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेच्युटी का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर, पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर। सही है क्या भाई? इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेच्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेच्युटी, पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर। एग्जांपल याद रहेगा क्या है? हर साल कितना पैसा चाहिए उसको? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो आज मुझे बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? 2 करोड़। कितना बोलो? 2 करोड़। एंड 2 करोड़ में आज बैंक को दिया तो बैंक मेरे बेटे को 20 लाख कब तक देगा? इनफाइनाइट ईयर्स तक। कब तक? तो इनफाइनाइट पेमेंट्स बैंक के तरफ से जो होने वाले हैं उसका आज का वैल्यू 2 करोड़ है। उसका आज का वैल्यू क्या है? 2 करोड़ है। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेच्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेच्युटी। परपेच्युटी मतलब क्या होता है बोलो? टाइम जो होता है वो अनलिमिटेड है उसमें। क्या है बोलो? अनलिमिटेड। तो चलो यहां पे फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले एट वन प्लेस। हमने आज लेक्चर के शुरुआत में ही सब कुछ कंप्लीट किया है क्या? ये सब कुछ कंप्लीट किया है क्या? तो क्या करेंगे और एक बार कंप्लीट करेंगे यहां पे हम सब साथ? होमवर्क नहीं करेंगे, इधर ही कंप्लीट करेंगे भाई। कहाँ होमवर्क? घर पे खेलो, नाचो, रील देखो, है कि नहीं? चलो फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, पीएनआर आप भी लिख देना, मुझे भी बता देना साथ साथ में। ऐसे समझो कि मैं एक भी फॉर्मूला नहीं जानता हूं, आप मुझे बताएंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट, पीएनआर, अमाउंट वेन इंटरेस्ट इज सिंपल, पी इन ब्रैकेट 1+NR, पी इन ब्रैकेट 1+NR। कंपाउंड इंटरेस्ट, पी इन ब्रैकेट 1+R का पावर n -1। सही है भाई? अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, पी इंटू 1+R का पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू
वन प्लस आर का पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर का पावर एन. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर एन. सही है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू वन प्लस आर बाय एन ब्रैकेट का पावर एन माइनस वन, वेयर आर इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इंटू वन प्लस आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर. डिवाइडेड बाय आर इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर. देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इंटू वन प्लस आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर इंटू वन प्लस आर. इंटू वन प्लस आर इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर. पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर. अब बताओ बच्चों, तुम अगर याद करना नहीं चाहते तो भी याद हो जाता कि नहीं ये सब फॉर्मूले? मैंने कहा एक बार बताया क्या भाई सब? ये पीरियोडिकल अमाउंट इंटू बोलो एन्युटी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर इंटू वन प्लस आर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर. ये तो अभी सीखा था अपन ने. पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी. पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर. हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एंथ ईयर? आंसर दो, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, देन प्रेस इक्वल टू बटन टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू. टिल स्टेप काउंट कम्स बोलो एन प्लस टू. सही है क्या बताओ? एंड हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर बताओ? वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, देन प्रेस इक्वल टू बटन टिल स्टेप काउंट कम्स एन प्लस टू एंड देन प्रेस जी टी का बटन. बराबर है ना? देन प्रेस जी टी. ऐसा करते यू विल गेट एन्युटी फैक्टर फॉर एन ईयर्स. यू विल गेट एन्युटी फैक्टर फॉर एन ईयर्स. तो ये ऑल फॉर्मूला एट वन प्लेस. वैसे चैप्टर के एंड में हमने आज ही लिखे थे सब, ये लिखे थे क्या? yes. तो ये पॉइंट नंबर 112 कंप्लीट हुआ क्या? बोरिंग है नहीं चैप्टर? टीचर बोरिंग, सब्जेक्ट बोरिंग, सब कुछ बोरिंग है, है ना? है कि नहीं? सिर्फ अपने को क्या करना है? कुछ लोगों को क्या है वो बोलते हैं कि सर कुछ तो ऐसा फन होना चाहिए उसमें. तो जो पढ़ रहा है ना, ही फाइंड फन इन दिस ओनली. एंड ये दो मिक्स करके कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई. समझाया नहीं? जब अपन दो एक्सट्रीमली अपोजिट चीजें मिक्स करती है ना, तो ना ये होता है ना वो होता है. समझता है कि नहीं? एंड अपन बीच में कुछ तो रह जाते फिर ना. अपन एजुकेशन में है ना, एंटरटेनमेंट में. बराबर है कि नहीं? चलो हो गए बच्चों. नॉमिनल रेट दिया हुआ है. अब इसके आगे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है. नॉमिनल रेट दिया है, इफेक्टिव पूछा है. करेंगे बच्चों सॉल्व? ये पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है. चलो बताओ इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला. इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू बोलो वन प्लस आर बाय एन ब्रैकेट का पावर एन माइनस वन. अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहा तो आप एग्जाम रफ में ऐसे लिखेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करेंगे ना आप? है या नहीं?
तो बोलो इज इट वन प्लस आर कितना है बच्चों 0.282796 डिवाइड बाय क्या करूं 4 क्यों डिवाइड बाय 4 किया बच्चों आपने कंपाउंडेड क्वार्टरली है इसलिए तो 0.282796 डिवाइड बाय 4 करो प्लस 1 करो तो मेरे ख्याल से इट कम्स 1.070699 ऐसा कुछ है क्या का पावर 4 माइनस 1 तो इसका पावर 4 कर देना जो भी आया माइनस 1 कर देना इनटू 100 करो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा क्या आंसर है बोलो 31.422459 कर देता अप्रोक्सीमेटली चलेगा क्या पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 4588 था तो मैंने 8 को 9 कर दिया समझा क्या आपको ये अच्छा ये कुछ नहीं लिखा है मतलब इफेक्टिव रेट क्या है बाय डिफॉल्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बाय डिफॉल्ट इट इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली तो डन 113 क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट इफेक्टिव रेट ऑफ 15% इज इक्विवेलेंट टू -% पर एनम कंपाउंडेड मंथली तो समझो ये आर है मिसिंग नंबर आर है तो अपने को आर फाइंड करना है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला है या इफेक्टिव का ही यूज करूं तो इफेक्टिव का ही फॉर्मूला यूज करेंगे एंड उसमें जो मिसिंग वैल्यू ऑफ आर है वो फाइंड करेंगे चलेगा क्या बच्चों तो यहां पे इफेक्टिव कितना है इस क्वेश्चन में 15 लिखू या 0.15 लिखू 0.15 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय क्या होगा बच्चों 12 का पावर 12 माइनस 1 तो बताओ 1 प्लस आर बाय 12 का पावर 12 इज इट इक्वल टू 1.15 अब बताओ इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं क्या तो इट इज 1 प्लस आर बाय 12 इज इक्वल टू आएगा 1.15 का पावर 1/12 ये सब सिखाए क्या आपको 12th रूट एंड ये तो आपको इसके आगे का काम कैलसी पे करने आएगा क्या तो 1.15 स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार 12 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 एंड फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स अच्छा ये जो भी आया ये 1 प्लस आर बाय 12 का आंसर है तो माइनस 1 कर देना एंड फिर इनटू 12 कर देना आंसर आ जाएगा इनटू 100 करके आर परसेंटेज में आ जाएगा तो 14.0581% कर देता अप्रोक्सीमेटली चलेगा क्या पर एनम कंपाउंडेड बोलो मंथली समझा क्या सबको ये मतलब 14.0581% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज इक्विवेलेंट टू 15% इफेक्टिव इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच बोलो 15% इफेक्टिव कितने लोगों को ये समझा हमने हमें नॉमिनल दिया था इफेक्टिव फाइंड किया प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे इफेक्टिव दिया था और नॉमिनल पूछा था कभी कभी दो नॉमिनल भी दे देते वो भी अपन सॉल्व कर सकते कि नहीं दोनों को इफेक्टिव में कन्वर्ट करके वी फाइंड द मिसिंग वैल्यू यस और नो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 115 ऑन अभी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा इफेक्टिव रेट पे आएगा एन्युटी पे आएगा जो भी कुछ है समझा आपको ये ऑन अ सर्टन सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6.25 ईयर बिकम्स 3/8 ऑफ द सम फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कंपाउंड का है सिंपल का है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चलो बोलो ऑन अ सर्टन सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6.25 इयर्स इज 3/8 ऑफ द सम 3/8 ऑफ द सम मतलब 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल 3/8 ऑफ द सम इन्वेस्टेड सही है एनी वन द आंसर 6% करो बाकी लोग सॉल्व करके बताओ ऑन अ सर्टन सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6.25 इयर्स इज 3/8 ऑफ द सम यस हो गए बच्चों चलो बताओ सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो ना पीएनआर एक मिनट सुनो बच्चों अभी सब लोग उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट इज
3/8 ऑफ प्रिंसिपल, ये मैं सही लिखा क्या बताओ? सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, 3/8 ऑफ द सम इन्वेस्टेड। अभी ध्यान, मैंने टाइम दिया था ना आपको, 3/8 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इंटू, बोलो एन कितना है? 6.25 एंड इंटू आर, आर अपने को पता करना है। चलो बताओ ये पी एंड पी कैंसिल हुआ क्या? यस और नो? अच्छा 3/8 मतलब 0.3750, 3/8 करो कैंसिल पे, 3/8 इज 0.3750 इज इक्वल टू 6.25 इंटू आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू करो कैंसिल पे 0.3750 डिवाइडेड बाय 6.25 कितना आता है? 0.06। तो रेट 0.06% ऐसा है क्या? नहीं, 0.06 है मतलब इंटू 100 करके आप परसेंटेज में लिख सकते हो, मतलब ये क्या है बोलो? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ जो कुछ तो दम था क्या इस क्वेश्चन में? ऐसे स्टूडेंट ऐसे फिर बाद में बोलता नहीं सुराब आप कैसे कब लिया आपने क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मैं, बोलो नहीं सर बोलो 3/8 ऑफ द कुछ तो था, क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम, आपको क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम इन्वेस्टेड, तो 115 का आंसर 6% है क्या भाई? है क्या? चलो नेक्स्ट 116, बस और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, दो तीन बस। 116 करे हो क्या कंप्लीट? ये 115 आया था क्या आपका आंसर? फाइंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू अर्न मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7200 एट ए रेट ऑफ 24% पर एनम। मंथली इंटरेस्ट 7200 चाहिए उसको, तो उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 24% पर एनम। मतलब उन्होंने क्या मिसिंग है यहां पे बताओ? पी मिसिंग है, पी पी मिसिंग है ना बॉस, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7200 पर मंथ, बराबर है ना बच्चों? मंथली इंटरेस्ट ऑफ 7200 करेक्ट है? एनीवन विद आंसर? कितना? 30,000, मतलब 30,000 रुपए अपन इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने में 7,200 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, सुनने को भी कितना अजीब लग रहा है। 3,60,000 करेक्ट है। अच्छा सुनो ध्यान से सब लोग, बताओ प्लीज प्लीज ध्यान दो यहां पे, मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ भाई, पी एन आर। कितना है सिंपल इंटरेस्ट यहां पे? 7200, वो एक महीने का है। अरे एक महीने का है ना सिंपल इंटरेस्ट ये, हाँ तो बोलो प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है, एन कितना है बोलो? एक महीना मतलब कितने ईयर्स? 1/12 ईयर्स। अरे नंबर ऑफ मंथ्स को डिवाइड बाय 12 किया तो ईयर्स हो जाता है। अच्छा 6 महीने मतलब कितने ईयर्स? 6/12.50, तो 1 month मतलब कितने ईयर बोलो? 1/12 ईयर्स है या नहीं? इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बोलो? 24% मतलब 0.24, बस खत्म करो कैलसी पे। 7200 इंटू 12 कर लिए क्या आपने? डिवाइडेड बाय 0.24 क्या आंसर है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,60,000, सही है बच्चों? अच्छा कॉमन सेंस से बिना कुछ लिखे कैलकुलेटर पे आंसर लाके दिखाओ क्या? अच्छा सुनो ध्यान से एक मिनट, मुझे बताओ आपको हर महीने में कितना इंटरेस्ट चाहिए? 7200, चलो ले लो कैलसी पे 7200 लिए क्या आप लोग? हर महीने में इतना इंटरेस्ट चाहिए तो इंटू 12 करो, तो इंटू 12 करने के बाद जो आता है इतना साल भर का इंटरेस्ट चाहिए। एंड ऐसा देखो एक महीने का इंटरेस्ट इंटू 12 साल भर का इंटरेस्ट, ये सिर्फ सिंपल में होता है बच्चों, कंपाउंड में ऐसा होता नहीं, समझा के आपको ये? इंटू 12 किया तो अभी आपके कैलसी पे क्या है? 86,400 है ना, वो एक साल भर का इंटरेस्ट है। तो आपको यही जानना है ना कि 86,400 किसका 24% है, तो करो डिवाइड बाय 24%, आंसर है 3,60,000 डिवाइड बाय 24%, क्या आंसर आया? 3,60,000, सही है क्या बच्चों? तो आंसर इज 3,60,000 और नॉट। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करो, बस हो गया इतना। अ सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट विल बिकम 64 टाइम्स। 8 साल में डबल बनता है तो कितने साल में 64 टाइम्स होगा, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड का है? सिंपल का है या कंपाउंड का है?
सिंपल का है, 8 साल में डबल बनता है पैसा, कितने साल में 64 टाइम्स बनेगा, 504 ईयर्स, ठीक है। अ सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स। अभी आपको दिखेगा कि इसके बाद में इतने क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, बट एक भी कोई फॉर्मूला ऐसा यूज नहीं कर रहा हूं जो आप जानते नहीं हो, सिर्फ आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट चलो एक मिनट बच्चों ध्यान दो, अब यहां पे मुझे बता अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल का क्या फॉर्मूला है, पी इन ब्रैकेट 1+NR। प्लीज ध्यान दो बच्चों, अभी बस लास्ट के कुछ मिनट बचे, तो मुझे बता अमाउंट बिकम्स डबल, मतलब पैसा इन्वेस्टेड डबल बन जाता है, कितने साल में, 8 साल में, मतलब अमाउंट इज ट्वाइस अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू 1+8R, वेरी गुड। तो टेल मी वेदर दिस पी एंड पी कैंसिल हुआ, तो 2 = 1+8R, तो 2 - 1 कितना आता है, 1 = 8R, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1/8, मतलब 0.1250, मतलब 12.50%। सुन रहे हो क्या अभी, आप बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स, मतलब एन इज हाउ मच, यस और नो, इन विच अमाउंट कितना होगा, हाँ बोलो, 64 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1250 अपन कैलकुलेट कर चुके, ये क्वेश्चन है ना भाई, इन हाउ मेनी इयर्स अमाउंट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। हाँ चलो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करो, हाँ करो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+NR, अमाउंट की जगह क्या लिखो, 64P इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+N, अपने को पता करना है आर कितना है, 0.1250, यस और नो, पी एंड पी कैंसिल हुआ क्या, करो 64 - 1 कितना आता है, 63 इज इक्वल टू 0.1250N, देयरफॉर N इज इक्वल टू 504 ईयर्स। समझा क्या बच्चों, अरे 63 / 0.1250, यस और नो, तो 504 ईयर्स में राइट मनी विल बिकम 64 टाइम्स। सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टेड था या कंपाउंड से, सिंपल से। अगला क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के देखो आप क्या है, असम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन हाउ मेनी इयर्स, 8 ईयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स इट विल बिकम 64 टाइम्स। करेंगे क्या ये सॉल्व, कितने साल में 64 टाइम्स बनेगा, ध्यान दे रहे हो सब लोग, अच्छा शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे या फॉर्मूला से, शॉर्टकट से सुनो एक मिनट, समझो सम इन्वेस्टेड है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, सम इन्वेस्टेड पी रुपीज है, ओके आप बताओ आफ्टर इयर्स कितने साल में, 8 साल में ये क्या बन जाता है, 2P, नहीं समझा आपको ये, और 8 साल में मतलब टोटल 16 साल हो जाएंगे, वो 4P बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो सिंपल होता तो 2P का 3P होता बाद में, समझा क्या आपको ये, मतलब पहले 8 साल में अगर पी रुपीज इंटरेस्ट मिला है तो अगले 8 साल में और पी रुपीज मिलता है, नहीं समझा आपको ये सब लिख के दिया था क्या मैंने आपको, अब बताओ और 8 साल मतलब 24 साल में क्या बनेगा, वो 8P, और 8 साल मतलब 32 ईयर्स में कितना बनेगा, 16P, और 8 साल मतलब 40 ईयर्स में कितना बनेगा, 32P, और 8 साल मतलब 48 ईयर्स टोटल कितना बनेगा, 64, तो बन गया 64 टाइम्स, क्या आंसर है इसका, 48 ईयर्स, तो आंसर इज बोलो मेरे भाई 48 ईयर्स। ये सब सिखाया क्या मैंने आपको, आपको लग रहा है सर ऊपर का क्वेश्चन क्यों शॉर्टकट से नहीं किया, वो भी करता था बट शॉर्टकट से 15 मिनट लगते, समझा क्या, क्योंकि क्या होने वाला था, समझा क्या, उधर पी का 2P, फिर 3P, फिर 4P, 5P, 6P, समझा क्या, 64P, उसे हमने सोचो भाई फॉर्मूला यूज कर लेते बेटर है, यस और नो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था ना वो, ये समझा क्या आपको, आपको मैंने ये पूरा लिख के दिया था आफ्टर एक्स ईयर, समझा क्या आपको, ये अगर ट्रिपल हुआ रहता वन, अगर पी का 3P हुआ रहता तो बाद में फिर और उतने ही साल में 9P होता, याद है आपको ये, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 48 ईयर्स, इन 48 ईयर्स इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ द सम इन्वेस्टेड, इज दैट क्लियर, पक्का क्या बच्चों, ओके तो इसके आगे क्या ना बच्चों, जितना हो सकता है
क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, अपन क्लास में तो सभी लेंगे। आप मुझे प्रॉमिस करो अभी कि सर हम ये घर जाके सॉल्व करें, वो होता है नहीं होता है अपने को नहीं जमेगा, वो सब अगली बात है, सब सेकंड है। मैं कोई क्वेश्चन बोला क्या ऐसे कि तुम ही करने का है, मैं करूंगा ही नहीं करके। एंड हर एंड ये चैप्टर के नोट्स में, ये चैप्टर खत्म होते ही इसका PDF मैं भेजता हूँ आपको। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर का PDF भेजा है क्या? देखा क्या ओपन करके? वो सब कुछ है क्या उसमें? मैंने क्लास में लिखा हुआ, वैसे सेकंड चैप्टर के एंड में भी भेजूंगा, है कि नहीं? बीच बीच में कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सर आज कब भेजो, पर आप तुम अपने एंगल से सोचते हो। अब बता मैं रोज कर सकता हूँ क्या वो? आज कब रोज? कोई ऐसा कोई ना कोई तो बंदा रहेगा ना जो एक रोज क्लास मिस करेगा, एक तो रहेगा ना। अगर मुझे वो रोज मैसेज करने लग गया तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे तो वही करना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? चलो, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स।